चलिए ध्यान दीजिएगा। ओके सेल्सफोर्स लॉगिन, किन के साथ काम कर रहे थे? ओके 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 अदिति 108 बैच के सभी लोग बैठ रहे हैं क्या? तू चेक कर लेना बार एक अदिति। यस सर मैं देख लूंगी। हाँ याद से चेक कर ले, याद से चेक कर ले और मुझे कल बता देना, मुझे कल बता देना। और म्यूट करो। उसके बाद सेकंड बैच जो है ना आपकी, क्या नाम है उनका, सुबह 7 बजे की बैच है, 109 की अपनी टीम लीडर ही गायब हो गई है। यस सर मनीषा। हाँ तो तुम देख लेना मनीषा, इसको पूछ के बात कर लेना। पूछ के बात कर लेना। हाँ हाँ सर। ओके एंड नेक्स्ट वन 107 बैच में तो सभी लड़के प्रेजेंट है, और 109 के मैं सॉरी 9 रात की 9 बजे की जो बैच है इसके लिए वो बैच के लोग मैं देखता हूँ कौन कौन नहीं है। ओके तो 9 बजे के बैच के लोग भी पूरे कंप्लीट प्रेजेंट है क्या? ईश्वर तुम्हारा ग्रुप पूरा आ रहा है? हाँ सर। मैं चेक कर लेता हूँ सभी को। चलिए चलिए ओके, क्योंकि सुबह के 19 लोग तो तुम्हारे, 16 लोग तो तुम्हारे 9 बजे के बैच में ही थे, और 10 लोग तुम्हारा वो सुबह के बैच के भी लोग नहीं आ रहे यहाँ पे, सूर्य और वो भी सब नहीं आ रहे, सुयोग भी नहीं आ रहा है, वैष्णवी भी नहीं आ रही है। नहीं वैष्णवी तो अभी हो गया, उसको जॉब लग रहा है। Okay. वो पुराने बैच की थी ना 105 की। चलिए ओके अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। आज मैं सबको ये करके मैं सबके बाद में फोन कर लूंगा। अदिति तुम सुबह 108 का बैच का चेक कर लेना। ओके और 109 के बैच का चेक कर, और मुझे एनए हो सुबह 8 बजे उसका मुझे रिपोर्ट करना मुझे। ओके मैं उनसे बात कर लूंगा और बाकी का मैं देख लेता हूँ। चलिए अभी आज अपन देखते हैं नया टॉपिक, एंड दैट इज कॉल्ड एज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एंड दैट इज कॉल्ड एज अ इंटरफेस। इंटरफेस देखते हैं हम लोग। ओके आज थोड़ा ज़्यादा बैठेंगे हम लोग और वर्किंग करेंगे, आज पूरा उस कंसेप्ट खत्म होने तक कोई उठेगा नहीं। ओके चलिए हम लोग देखते हैं इंटरफेस, व्हाट इज मीन बाय द इंटरफेस। इंटरफेस इज जस्ट लाइक अ क्लास। ओके इंटरफेस एक क्लास ही रहता है, बट इंटरफेस और क्लास के अंदर फर्क क्या रहता है तो बता देता हूँ। इंटरफेस इज जस्ट लाइक अ क्लास बट नॉट अ क्लास। ओके इंटरफेस एक क्लास के समान होता है बट वो क्लास नहीं रहता है। क्लास की डेफिनेशन क्या है? क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। क्लास की डेफिनेशन क्या है बताओ मुझे, क्लास की डेफिनेशन क्या है? ध्यान दीजिएगा, क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। ओके इंटरफेस इज ऑल्सो अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, क्लियर हो गया आपको? बट क्लास क्रिएट अ ऑब्जेक्ट, इंटरफेस का ऑब्जेक्ट बनता ही नहीं है। ओके इसलिए क्लास को अपन रन कर सकते हैं, बिकॉज क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। क्लास को रन करना है तो क्लास का ऑब्जेक्ट भी बना सकते हैं हम लोग, स्टूडेंट एच इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, क्लियर हो गया आपको? और वो ऑब्जेक्ट के थ्रू हम लोग उस क्लास के अंदर के मेथड्स को रन भी कर सकते हैं हम लोग। ओके मतलब क्लास क्रिएट भी करेंगे, क्लास इंफॉर्मेशन जमा भी करेगा, ऑब्जेक्ट क्रिएट भी होगा और उस क्लास को रन भी करेंगे। इंटरफेस में हम लोग सिर्फ इंफॉर्मेशन जमा करते हैं, इंटरफेस इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा ओनली। ओके बट दे नेवर क्रिएट अ ऑब्जेक्ट, उसको ऑब्जेक्ट नहीं बनता है, समझ में आ रहा? ऑब्जेक्ट नहीं बनता। और तीसरा, ऑब्जेक्ट बनेगा नहीं तो उसको अपन डायरेक्टली रन कर सकते हैं क्या? यस नो सर, नहीं ध्यान दीजिएगा। ओके इसलिए मैंने आपको डेफिनेशन क्या, इंटरफेस इज जस्ट लाइक अ क्लास बट नॉट अ क्लास, अब समझ में आ गया? क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, इंटरफेस इज अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, बस इतना ही सेम है। बाद में क्लास को रन करना तो ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है, और ऑब्जेक्ट के थ्रू क्लास को रन कर सकते हैं, लेकिन इंटरफेस का ऑब्जेक्ट बनता ही नहीं है इसका, इसलिए उसको क्लास, उसको अपन उसके अंदर का डेटा को रन कर ही नहीं सकते, मतलब इंटरफेस रन नहीं होता। इसलिए जनरली हम लोग क्या करते हैं, इंटरफेस को हम लोग हमेशा इनहेरिटेंस में यूज करते हैं। अब्स्ट्रैक्ट क्लास हो गया, फाइनल क्लास हो गया, उसके बाद आप लोगों का इंटरफेस होता है। ये हम लोग क्यों कब यूज करते हैं ध्यान दीजिएगा, वो कब यूज करते हैं हम लोग? ओके वो हम लोग हमेशा, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट क्लास का भी ऑब्जेक्ट नहीं बनता, फाइनल क्लास का भी ऑब्जेक्ट नहीं बनता, उसके इंटरफेस का भी ऑब्जेक्ट नहीं बनता, इसलिए इसको अपन डायरेक्ट इंडिविजुअल यूज कर सकते हैं क्या, इंटरफेस एब्स्ट्रैक्ट क्लास को फाइनल क्लास को? नो। अरे ऐसी घुमा के पूछते हैं आप लोगों को, वो क्या बोलते हैं, मस्त हेमा को बोलेंगे, हेमा यस आई क्रिएट वन एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड क्रिएट अ ऑब्जेक्ट
तो मुझे बताओ मेरा कैसे रन होगा। तो और अपनी में हेमा क्या है बताएंगे मस्त मस्त है, ऐसा होता है वैसा होता है भाई, लेकिन आफ्टर क्लास का ऑब्जेक्ट बनता ही नहीं, तो उसको पहले लाइन में बताओ सर आफ्टर क्लास नेवर क्रिएट ऑब्जेक्ट, सो दैट्स आफ्टर क्लास नेवर रन इंडिविजुअली ओके। तो बोलेगा यस 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 वेरी गुड, लेकिन मुझे तो रन करना है, सो दैट टाइम आई यूज अ इनहेरिटेंस एंड आई यूज आई यूज द आफ्टर क्लास। आगे मैडम आई यूज द आफ्टर क्लास इन अ सुपर पोजिशन ओके। बाप रे ये लोग नया यार टूम टूम करते रहते हैं ना, मेरा बहुत डिस्टर्बेंस होता है। चलिए अभी टीम आ रही है बराबर, तो समझ में आ रहा है इंटरफेस। इंटरफेस इज अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन ओके, इंटरफेस इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा, क्लास इज ऑल्सो कलेक्शन ऑफ डेटा, बस क्लास क्रिएट अ ऑब्जेक्ट एंड क्लास कैन बी रन, बट इंटरफेस नेवर क्रिएट अ ऑब्जेक्ट, इंटरफेस नेवर क्रिएट अ ऑब्जेक्ट ओके, सो इंटरफेस नेवर रन, इसलिए इंटरफेस को अपने को यूज करना है, इट इज ऑलवेज यूज इन अ इनहेरिटेंस ओनली, और इनहेरिटेंस में भी अपन जब यूज करेंगे उसको यूज करेंगे ध्यान दीजिएगा, तब हमेशा इंटरफेस सुपर पोजिशन में ही देना पड़ता है, इंटरफेस हमेशा अपन सुपर पोजिशन में देते हैं और डिराइव्ड पोजिशन पे हम लोग हमेशा क्लास देते हैं। क्लियर हो गया आपको? तो इंटरफेस जो रहेगा आपका वो इंटरफेस हमें बताएंगे हम लोग इंटरफेस कैसे होता है। तो इंटरफेस हम लोग जो भी एक्स वाई जेड नाम का इंटरफेस है, ये हमेशा इनहेरिटेंस में यूज़ किया जाता है। अब क्यों यूज़ किया जाता है क्लियर हो गया आपको? और ये हमेशा कौन से पोजिशन में यूज़ किया जाता है? बेस पोजिशन में, या इसको हम लोग सुपर पोजिशन बोलते हैं। इतना क्लियर हो गया क्या आपको? सुपर क्लास के लेवल पे ही यूज़ किया जाता है, इतना क्लियर हो गया आपको ओके। और ये जो डिराइव क्लास होता है आपका, डिराइव ऑब्लिक न्यू, ये जो होता है ना ओके, ये जो क्लास होते हैं डिराइव ऑब्लिक न्यू जो क्लास होते हैं, तो वो क्लास जो रहते हैं वो हमेशा उसमें क्लास यूज़ करते हैं, क्लास जो भी अपन ABC यूज़ करेंगे ABC। इतना क्लियर हुआ कि आपको बताओ? तो इंटरफेस इज अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, इंटरफेस नेवर क्रिएट अ ऑब्जेक्ट, सो दे नेवर रन इंडिविजुअली, सो दैट्स व्हाई इंटरफेस इज ऑलवेज अटैच विद अ इनहेरिटेंस एंड दे ऑलवेज ऑलवेज वर्क एट अ सुपर पोजिशन ओनली, सुपर पोजिशन में ही वर्क किया जाता है। इज इट क्लियर? अब बोलेंगे क्यों? क्योंकि मैं आपका एग्जाम्पल बताता हूँ चलिए अंकुश शुक्ला, चलिए इतना क्लियर हो गया क्या आपको? चलो बैठो बैठो ओके। तो हम लोग इंटरफेस में अपन यूज करेंगे, क्लास में अपन यहाँ पे आ गए, इतना क्लियर हो गया आपको? इज इट क्लियर और नॉट? अब इंटरफेस का सिंटैक्स कैसे होता है वो देखते हैं हम लोग, उसके बाद इसका यूज करते देखते हैं हम लोग क्या रहेगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं ओके। अभी अपने जो अंकुश शुक्ला बैठा हुआ है ना, इसको जॉब लगा हुआ है ओके, अभी लेटेस्ट 6 दिन हो गए उसको जॉब लगा हुआ है। तो ओके, तो यहाँ पे देखिए, म्यूट करो इंटरफेस। चलो इंटरफेस आपका, हम लोग इंटरफेस ना जल्दी जॉइंट होते जाओ यार, कहते वो टिक टिक करते ना आधा टाइम उसी में जाता है। चलो इंटरफेस जो रहता है ना आप लोगों का, इंटरफेस का सिंटैक्स होता है जैसे अपन क्लास बनाते तो क्लास और इंटरफेस का नाम यूज करते हैं ना हम लोग ओके। यहाँ पे अपन इंटरफेस नेम यूज करते हैं, इंटरफेस नेम ध्यान दो रे ओके। इसके बाद में दिस इज योर इंटरफेस, ये आपका इंटरफेस रहता है। अब रोल देखिए इंटरफेस में, इंटरफेस के अंदर जो भी वेरिएबल यूज करेंगे वो वेरिएबल हमेशा फाइनल रहता है, और मैंने फाइनल वेरिएबल पढ़ाया था याद है क्या? इंटीजर ए इज इक्वल टू 10 ओके। जिस वेरिएबल के आगे फाइनल लगाया जाता है, जिस वेरिएबल के आगे फाइनल लगाया जाता है उसको फाइनल वेरिएबल बोलते हो। एक बार जो वेरिएबल फाइनल होता है उसकी वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। और तीसरा रूल, फाइनल वेरिएबल को वैल्यूज देना कंपलसरी होता है, ये फाइनल के रूल्स बताए थे मैंने, क्लियर हो गया आपको? और कभी कभी देखो मैंने नहीं लगाया, लेकिन इंटरफेस के अंदर मैं लगाऊ उसको फाइनल नाम का कीवर्ड या नहीं लगाओ, इज इट क्लियर? ध्यान दीजिएगा ओके। इंटरफेस के अंदर जो भी वेरिएबल रहता है वो फाइनल ही रहता है ओके। अभी मैंने लगाया क्या फाइनल यहाँ पे बताओ, लगाया क्या? नहीं। लेकिन इंटरफेस के अंदर जो भी वेरिएबल रहता है ना वो फाइनल ही रहता है ओके। क्यों? क्योंकि एक बार इंटरफेस के अंदर अपन ने क्या दिया वेरिएबल को, इंटरफेस में ऐसा लिख नहीं सकते, ध्यान देना, नहीं लिख सकते इंटरफेस के अंदर, वैल्यूज नहीं लगा सकते हम लोग ओके।
इंटरफेस के अंदर अपन वैल्यूज नहीं लगा सकते, इंटरफेस के अंदर मैं ऐसे दे नहीं सकता क्योंकि इंटरफेस के अंदर जो भी वेरिएबल देंगे उसको वैल्यूज देना पड़ता है, क्लियर हो गया आपको इसलिए। और तो इंटरफेस के अंदर जो भी वेरिएबल रहता है, फाइनल लिखो मत लिखो, वो हमेशा फाइनल नाम का ही वेरिएबल रहता है, क्लियर हो गया कि आपको बताओ, यस क्लियर हुआ। उसके बाद इसके अंदर जो भी वेरिएबल्स रहते हैं, जो भी फंक्शन रहता है, जैसे मैं ऐसे लिखता हूँ void, ओके PQR नाम का, PQR नाम का एक फंक्शन लिखाता हूँ, ओके तो वो हमेशा एब्स्ट्रैक्ट ही रहता है, मतलब उसको बॉडी नहीं देना पड़ता है, क्लियर हो गया आपको, इज इट क्लियर और नॉट जस्ट टेल मी। किसी ने बोला कि नहीं रहता है, एक आधा लड़का ओके बोलता नहीं नहीं मैं लिखता हूँ निखिल के समान, वो बोलेगा कि नहीं 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 सर मैं देता हूँ ना क्या होता है, ओके एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, वो एरर दे देगा, क्लियर हो गया कि आपको मुझे बताओ, ओके तो इंटरफेस के अंदर जो भी वेरिएबल फंक्शन रहता है वो हमेशा एब्स्ट्रैक्ट रहता है। जैसे एग्जांपल तौर पे मैं और एक फंक्शन बनाता हूँ एब्स्ट्रैक्ट, ये फंक्शन का नाम है, क्लियर हो गया आपको, ओके वो एब्स्ट्रैक्ट लिखो या मत लिखो, एब्स्ट्रैक्ट लिखो या मत लिखो, क्लियर हो गया आपको, लेकिन वो मेथड आपके एब्स्ट्रैक्ट की लेती है, उसको बॉडी नहीं रहती है, क्लियर हो गया कि आपको मुझे बताओ। तो जिस वे जिसके सामने अपन इंटरफेस नाम का कीवर्ड लगा देते हैं वो इंटरफेस रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं पहले बता रहा हूँ, उस कंसेप्ट में पूछा ही जाता है इधर, इसलिए मैं पूरा आपता दिया है मैंने यहाँ पे। दूसरा रूल यहाँ पे देखिए क्या रहता है, तो इंटरफेस के अंदर जो भी वेरिएबल रहता है वो हमेशा फाइनल रहता है, उसके आगे फाइनल लिखो या मत लिखो, क्योंकि जिस वेरिएबल के आगे फाइनल लगाते हैं वो फाइनल वेरिएबल होता है, फाइनल वेरिएबल को वैल्यू देना ही पड़ता है और एक बार दे दी उसको चेंज नहीं कर सकते। तो इंटरफेस के अंदर कभी कभी फाइनल नहीं लिखा जाता है तो भी ये फाइनल रहता है, क्योंकि उसके इंटरफेस के अंदर एक बार एक वेरिएबल दे दिया उसको जो वैल्यू दे दी वो फाइनल रहती है, वो चेंज नहीं होती है, इसके आगे लिखो या मत लिखो। और जो भी फंक्शन रहते हैं वो हमेशा एब्स्ट्रैक्ट रहते हैं, उसके आगे एब्स्ट्रैक्ट लिखो या मत लिखो, इंटरफेस के अंदर जो भी फंक्शन होते हैं वो हमेशा बॉडी नहीं रहती, तो वो हमेशा एब्स्ट्रैक्ट ही रहते हैं। किसी ने बोला कि यस मुझे लिखना है इंटरफेस के अंदर नॉर्मल मेथड फंक्शन, मतलब जिसको बॉडी भी रहेगी, तो अलाउ ही नहीं करता, क्लियर हो गया आपको, इतना क्लियर हो गया आपको, ओके यस यस सर। चलिए अभी अवॉइड देता हूँ हम लोग, चलिए हम लोग ये यूज करते हैं PQLKJ ये नाम का एक फंक्शन यूज कर देते हैं, चलिए ध्यान दीजिएगा। तो ये हो गया आपका इंटरफेस, अभी इंटरफेस का मैं नाम दे देता हूँ, कोई भी नाम दे देता हूँ, चलो मैं इंटरफेस का नाम दे देता हूँ XYZ, इतना क्लियर हो गया आपको, इज इट क्लियर, ओके तो इंटरफेस इस तरह से लिखा जाता है, इतना क्लियर हुआ क्या मुझे बताइए, ओके। और इंटरफेस का रूल क्या रहता है, इंटरफेस एक बार बना लिया अपन ने तो उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट नहीं बनता है, अपन हमेशा बनाते थे ना XYZ एक्स इक्वल्स टू न्यू XYZ, याद है क्या ऐसे क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते थे, अनुराधा बनाते थे ना, नहीं सेलफोन इसमें अपन बना ही नहीं सकते, इंटरफेस का ऑब्जेक्ट बनता ही नहीं। अब ऑब्जेक्ट बनेगा ही नहीं तो इसके अंदर की मेथड वो इंडिविजुअल में कॉल कर सकता है क्या, नहीं, क्लियर हो गया आपको, ओके इसलिए अपन इंटरफेस को हमेशा कहाँ पे लगाते हैं, इनहेरिटेंस में लगाया जाता है, इतना क्लियर हुआ क्या आपको बताइए, एनी डाउट, क्लियर हो गया आपको। अभी चलो अभी इंटरफेस को कैसे अटैच किया जाता है, तो अपन एक क्लास बनाएंगे ABC नाम का, देखो अभी रूल बताता हूँ मैं, ओके क्लास बनाएंगे हम लोग ABC नाम का और जब भी मुझे एक आधे इंटरफेस को कोई क्लास के साथ अटैच करना है तो दैट टाइम आई यूज इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड। जैसे एक क्लास को दूसरे क्लास को ज्वाइन करना है तो दैट टाइम आई यूज एक्सटेंड कीवर्ड EXTEND, ओके बट मुझे एक क्लास को एक इंटरफेस अटैच करना है तो दैट टाइम आई यूज इम्प्लीमेंट कीवर्ड। क्लियर हो गया आपको यहाँ पे, इज इट क्लियर, ओके ये मेरा रहेगा यहाँ पे, तो ये जो डायग्राम दिया है ना मैंने, तो वो डायग्राम मैंने यहाँ पे लिया, तो ये इंटरफेस मतलब ये रहेगा हमेशा, क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। अब मुझे इंटरफेस को हमेशा सुपर में ही लगाना पड़ता है और उसके नीचे अपने को अपना डिराइव्ड क्लास लगाना पड़ता है, क्यों लगाना पड़ता है इसके इंपॉर्टेंस मैं बताऊंगा आपको, ओके। तो अभी एक क्लास बना है ABC नाम का, इम्प्लीमेंट XYZ, वाई, क्योंकि इंटरफेस को जब कोई भी क्लास को अटैच करना तो दैट टाइम आई यूज इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड, इज इट क्लियर। और एक क्लास को दूसरे क्लास को ज्वाइन करना तो दैट टाइम आई यूज एक्सटेंड कीवर्ड, ये रूल क्लियर हो गया पहला, ओके। अब दूसरा रूल, दूसरा रूल क्या करता है, अब जब कोई भी क्लास को जब अपन इंटरफेस अटैच करते हैं तो कंपलसरी रूल ये होता है कि इंटरफेस के अंदर जितनी भी मेथड्स है, वेरिएबल छोड़ दो, जितनी भी मेथड्स, इसके अंदर कितनी वेरिएबल मेथड्स है, एब्स्ट्रैक्ट की होंगी, कितनी है, 3 है ना, ये 3 मेथड्स को मुझे ओवरराइड करना ही पड़ता है, मतलब इंटरफेस के अंदर जितनी भी मेथड्स रहती है ना ये सब मुझे डिराइव्ड क्लास में लिखना ही पड़ता है,
समझ में आ रहा है? अब बोलेंगे सर एक आधे इंटरफेस के अंदर 50 मेथड होंगी, तो 50 की 50 लिखना ही पड़ता है कंपलसरी, मुझे यूज हो या न हो लिखना ही पड़ता है क्योंकि ये रूल है। समझ में आ रहा है आपको? ओके पी क्यू इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है क्या? ओके और इसके अंदर ये देखो ये लिखना पड़ता है, लिखना ही पड़ता है, ये लिखना ही पड़ता है और इसके अंदर आपको जो भी लॉजिक लिखना है वो लॉजिक आप लिख सकते हो। ओके तो यहाँ पे आप लोग जो लॉजिक लिखता है वो आप लॉजिक लिख सकते हैं, इतना क्लियर है? जो भी लॉजिक लिखना है आपको, इस प्रोसीजर को हम लोग बोलते हैं ओवरराइड। देखो सेम है नाम, सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, इसके अंदर आर्गुमेंट नहीं, इसके अंदर भी आर्गुमेंट नहीं है। ओके तो सुपर के मेथड को अपन जब वापस डिराइव में कॉल करते हैं तो उस प्रोसीजर को क्या बोलते हैं हम लोग? फंक्शन ओवरराइडिंग। और फंक्शन ओवरराइडिंग सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे बनती है? इनहेरिटेंस में बनती है। समझ में आ रहा है? तो इंटरफेस के अंदर की जितनी भी मेथड्स होती है ये सब अपने को क्या करना पड़ता है? सब क्लास के अंदर या डिराइव क्लास के अंदर क्या करना पड़ता है? ओवरराइड करना पड़ता है। क्लियर हुआ क्या आपको? बताओ। यस यस सर। ओके चलो के ये मेथड देखो यूज किए ना मैंने, मेरे को यूज करना ही पड़ेगा वो मेथड। उसके अंदर कुछ लिखो मत लिखो चलता है, या ऐसे ब्रैकेट करके छोड़ दो चलता है। ओके लेकिन लिखना ही पड़ता है। क्लियर हो गया आपको? यहाँ पे समझ में आ रहा है आपको? तीसरी मेथड को यहाँ अभी जगह नहीं है, यहाँ पे बता। ओके तो यहाँ पे देखिए वॉइड इतना क्लियर हुआ कि आपको बताओ। ऐसा नहीं लिखूंगा, जब मुझे ब्लैंक छोड़ना है ना उस मेथड को तो ऐसा लिखते हम लोग। समझ में आ गया आपको? लेकिन लिखना पड़ता है। यस बॉडी ले सकते हैं ना सर अभी? हाँ बॉडी नहीं देना ही पड़ता बॉडी। ओके यहाँ पे बॉडी नहीं रहती है लेकिन यहाँ पे आपको बॉडी देना ही पड़ता है। समझ में आ रहा है आपको? यहाँ पे इतना क्लियर हुआ क्या मुझे बताओ यार? ओके तो इंटरफेस क्लियर हो गया आपको? इंटरफेस क्लियर हो गया? इंटरफेस इज जस्ट लाइक अ क्लास। ओके दे कलेक्ट द इंफॉर्मेशन। इंटरफेस के अंदर जो वेरिएबल रहता है दैट वेरिएबल इज ऑलवेज फाइनल। और इंटरफेस के अंदर जो भी मेथड रहती है दे ऑल मेथड्स आर एब्स्ट्रैक्ट। ओके इंटरफेस नेवर क्रिएट ऑब्जेक्ट्स। ओके सो दैट्स व्हाई इंडिविजुअली इंटरफेस नेवर यूज। So that's why interface is always used with inheritance at a superposition only. Superposition में लिखना पड़ता है। ओके और मुझे उसके बाद में उसको क्या करना पड़ता है ध्यान दीजिएगा। उसके बाद हम लोग इसको क्या करते हैं? उसको हम लोग कोई भी क्लास के थ्रू अटैच करते हैं। हम लोग क्या करते हैं? कोई भी क्लास के थ्रू उसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। इतना क्लियर हुआ कि आपको मुझे बताइए? यस हम लोग कह रहे हैं कि वही किया हम लोगों ने यहाँ पे। और वो जो एब्स्ट्रैक्ट ओ आई यू वाई जो लिखा हुआ है वो नहीं लिखेंगे क्या? वाइट के नीचे जो एब्स्ट्रैक्ट, वाइट के नीचे एक एब्स्ट्रैक्ट लिखा हुआ है ना, वाली लाइन नहीं लिखेंगे? कौन सी? ये वाली वाइट पी क्यू वाला? नहीं नहीं एब्स्ट्रैक्ट वर्ड दिया है अपन ने, ये सेंटेंस दिया था, कोई लिखने की जरूरत नहीं है। ओके वो एब्स्ट्रैक्ट लिखना नहीं पड़ता। एब्स्ट्रैक्ट मतलब क्या होता है? ये सेल्फोन्स को बताते हैं अपन कि इसको भाई मैं बॉडी नहीं देना है, इसलिए एब्स्ट्रैक्ट लिखते हैं। क्लियर हो गया आपको? यहाँ पे मुझे नहीं लिखने की जरूरत है। इतना क्लियर हुआ कि आपको मुझे बताइए? ओके ओके एब्स्ट्रैक्ट इज अ कीवर्ड ऑफ ब्लैंक स्पेस ऐसा कुछ है क्या सर? नहीं 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 एब्स्ट्रैक्ट मतलब क्या होता है? सेल्फोन्स को बताता है कि दिस मेथड नॉट रिक्वायर्ड द बॉडी। ओके उसको बॉडी नहीं रजिस्टर के देता है। और सपोज अपन ने एब्स्ट्रैक्ट लिखा भी नहीं और इसको बॉडी नहीं दी तो भी सेल्फोन्स खुद ही ले लेता है। समझ में आ रहा है? दोनों इश्यू। ओके इज इट क्लियर? ओके अब मुझे बताओ कि इंटरफेस को अपन सुपर पोजिशन में क्यों लगाते हैं? किसी ने बोला कि नहीं मुझे उसको बेस पोजिशन में ही लगा, मतलब डिराइव में लगाना है। ओके तो क्या होगा? तो देखो ये क्लास है मेरा, ये दूसरा क्लास है ध्यान दीजिएगा। ओके और यहाँ पे मैं इंटरफेस लगाता हूँ। अब इंटरफेस के रूल्स क्या होते बताओ बरा? इंटरफेस में हमेशा सॉरी इनहेरिटेंस के रूल्स क्या होते बताओ बरा? हमेशा ऑब्जेक्ट किसका बनाते हैं हम लोग बताओ ना? डिराइव क्लास का या एंड क्लास का या डिराइव क्लास का बनाते हैं। अब ये आपका इंटरफेस रहेगा सपोज, तो इसका ऑब्जेक्ट बनेगा ही नहीं तो पूरा इनहेरिटेंस खराब हो जाएगा ना। समझ में आ रहा है क्या आपको? इज इट क्लियर? सो दैट्स व्हाई
we never use a interface in a derived position or end position. Is it clear or not? Just tell me. Okay? Yes, sir. चलो अभी अपन एक सिंपल सा ऐप देख लेते हैं. पूछा जाता है इंटरफेस. What is interface? Interface is a collection of information or collection of data of particular operation. That is called the interface. Basically, there are two types of interface. One is called the system interface. System interface बोलते हैं इसको अपन API बोलते हैं. जो interface cell phones बनाता है और उसका use अपन करते हैं उस interface को हम लोग API interface बोलते हैं. Application interface, okay? या उसको हम लोग सिस्टम इंटरफेस बोला जाता है. क्लियर हो गया आपको? और जो इंटरफेस, ये इंटरफेस मैंने बनाया ना एक्स वाई जेड नाम का, तो इस इंटरफेस को हम लोग कस्टम इंटरफेस बोलते हैं. क्लियर हो गया आपको? तो इंटरफेस का डेफिनेशन क्या है? इंटरफेस इज अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ पर्टिकुलर ऑपरेशन. इंटरफेस नेवर क्रिएट अ ऑब्जेक्ट. ओके, दैट्स व्हाई इंटरफेस नेवर यूज इट इंडिविजुअली. ओके, दे ऑलवेज वर्क विद अ इंटर इनहेरिटेंस ओनली एंड सुपर पोजिशन. ओके, उसके बाद अपन क्या बोलेंगे कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटरफेस. वन इज कॉल्ड एज अ सिस्टम इंटरफेस और इसको एपीआई बोला जाता है. दो इंटरफेस आर क्रिएटेड बाय द सेल फोर्स एंड यूज्ड बाय द प्रोग्रामर. सच इंटरफेस इज कॉल्ड एज अ सिस्टम इंटरफेस. और उसके बाद सेकंड जो रहता है आप लोगों का, सेकंड जो रहेगा आपका वो रहता है कस्टम इंटरफेस. वो हम ही बनाते हैं और हम ही यूज करते हैं, इसको कस्टम इंटरफेस बोला जाता है. क्लियर हो गया आपको? और एक इंटरफेस को एक क्लास को अटैच करना है, एक इंटरफेस को एक क्लास को अटैच करना है, तो दैट टाइम आई यूज क्या यूज करेंगे? आई यूज इम्प्लीमेंट कीवर्ड्स. ओके, उसके बाद इंटरफेस के अंदर जो भी वेरिएबल रहता है वो फाइनल रहता है. उसको एक बार वैल्यू दे दी, उसको चेंज नहीं कर सकते. आप लिखो मत लिखो, वो फाइनल रहता है. और उसके बाद अंदर जो भी मेथड्स रहते हैं दे ऑल आर एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स. आप लिखो मत लिखो, बॉडी नहीं लिख सकते. किसी ने लिखने की कोशिश करेंगे निकल तो वो एरर दे देगा. ओके, लेकिन अभी जब कोई भी इंटरफेस, जब हम कोई क्लास को अटैच करते हैं और उस इंटरफेस के अंदर नंबर ऑफ मेथड्स होंगी, तो सब मेथड्स को ओवरराइट करना पड़ता है. यूज करो या मत करो, लिखना ही पड़ता है आप लोगों को. क्लियर हो गया? तो अभी एज्यूम करो 10 मेथड है, उसमें से 5 ही मेथड लग रही है, तो 5 मेथड में लॉजिक लिख लो और 5 मेथड को सिर्फ उठा के ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट करके लिख लो. समझ में आ रहा है आपको? बट लिखना पड़ता है सभी को, क्योंकि आगे जाके यूज होने वाला है, इसलिए मैं आपको बताता हूँ. और इंटरफेस को हम लोग एक क्लास में हम दो इंटरफेस ज्वाइन कर सकते हैं. हाँ, अभी वही उसी के बारे में आता है हम लोग. ओके, अभी एक क्वेश्चन पूछा गया था, इसके पहले मैंने आपको बताया था व्हाई द मल्टीपल इनहेरिटेंस इज नॉट यूज इन अ सेल फोर्स. बोला था ना मैंने, क्योंकि एक सब क्लास एक ही एक्सटेंड कीवर्ड लगा सकता है, इसलिए एक सब क्लास एक ही सुपर क्लास को ज्वाइन कर सकता है. ओके, एक सब क्लास दो एक्सटेंड कीवर्ड यूज नहीं कर सकता, इसलिए एक सब क्लास दो सुपर क्लास को ज्वाइन नहीं कर सकता था. यस और नो? यस. इसलिए हम लोग क्या करते हैं, उसको यूज नहीं करते हैं. मल्टीपल इनहेरिटेंस इज नॉट यूज इन अ सेल फोर्स. लेकिन अभी क्वेश्चन उल्टा पूछा जाएगा. अब पूछा जाएगा व्हाई द मल्टी इफ यू कौन सा आए हुए कौन है भाई साहब? अभी हम लोग यूज करते हैं. अब बोला जाता है कि अभी उल्टा क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आंसर क्वेश्चन के आंसर देखना हो कि यही पूछा जाएगा. अरे भाई, और नहीं पूछा जाएगा. जैसे कि 6 दिन दिए हैं मैंने, तो आप समझ जाओ थोड़ा सा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि आजकल पूछा जाता है. अब वो क्या पूछेगा, ध्यान दो रे. ओके, अभी ये क्वेश्चन पूछेगा मल्टीपल इनहेरिटेंस इज यूज इन जावा इज यूज इन सेल फोर्स, तो व्हाट इज द प्रोसीजर. अब पहले क्या बोला मैंने खुद ही बोला कि मल्टीपल इनहेरिटेंस अपन सेल फोर्स में यूज नहीं कर सकते. क्यों? तो अपन ने आंसर दिया. लेकिन अभी क्या बोल रहा है वो कि मल्टीपल इनहेरिटेंस मुझे सेल फोर्स में यूज करना है, तो कैसे यूज करेंगे? तो मैं बताता हूँ आपको. बताऊँ? चलेगा अपना? ओके, चलिए मैं इसको मैं एक नए इसमें कर देता हूँ. अभी कॉम्बिनेशंस पढ़ाता हूँ मैं आपको, कॉम्बिनेशन पढ़ाता हूँ. ओके, तो देखिए एक ऑब्जेक्ट है, फास्ट पढ़ा रहा हूँ. एक क्लास है, ये दूसरा क्लास है और ये तीसरा क्लास है. ओके, और इस क्लास को डिलीट कर देते हैं कंट्रोल जेड. तो इसको मैं अटैच कर दूंगा यहाँ पे. ओके, इसको ऐसे अटैच कर दूंगा, इसको अटैच कर दूंगा. ये मेरा एज्यूम करते हैं ए क्लास है. आप एज्यूम करो ये बी क्लास है आपका और ये आपका सी क्लास है. ओके, तो मुझे इसको कैसे लिखना पड़ता था, ध्यान दो रे. ओके, क्लास ए एक्सटेंड बी कॉमा एक्सटेंड सी.
लेकिन मैंने क्या बोला था आपको, इट इज पॉसिबल इन जावा, इट इज पॉसिबल इन सेल्फोर्स, नहीं, क्योंकि हम लोग एक सब क्लास को, सॉरी सी लगाना था यहाँ पे, सी चाहिए, सॉरी एक ही बार एक्सटेंड ए, यस, समझ में आ गया आपको इम्पोर्टेंस, क्योंकि हम लोग एक ही एक्सटेंड कीवर्ड लगा सकते थे, एक ही लगा सकेंगे हम लोग, ओके डिलीट, तो हम लोग ऐसे ही कर सकते, इसलिए मैं बता सकता हूँ कि मल्टीपल इनहेरिटेंस इज नॉट पॉसिबल बाय यूजिंग क्लासेस। समझ में आ रहा है क्या आपको, इतना क्लियर हो गया क्या आपको, मुझे बताइए। यस चलिए चलिए, अभी मैं आपको बता रहा हूँ द सेकंड कंडीशन, ध्यान दोरे बाबा, हाँ मैं पहले बता रहा हूँ, ये देखिए क्लास है आपका, ओके एक इंटरफेस है सुपर पोजिशन पे, और ये एक मेरा सब क्लास है, ध्यान दो सब क्लास है, ये क्लास ए नाम का है मेरा, ये क्लास ए है, कोई नहीं पढ़ाता रहे, मैं पहले बता रहा हूँ, मैं आपको सब बता रहा हूँ, मुझे लगता है कि आप वर्क होना चाहिए, इसलिए मेरा थोड़ा क्लास 10 दिन लेट होता है, और यहाँ पे बी रहेगा आपका, और एक क्लास रहेगा आपका क्लास सी, ओके अब मुझे इसको अटैच करना है, इसको अटैच करेंगे, अटैच करेंगे ओके, तो हम लोग कर सकते हैं, हम इसको कैसे लिखेंगे देखो, ध्यान दो ओके, ये क्लास सी लिखेंगे हम लोग, क्लास सी, और मुझे ये क्लास को अटैच करना है, तो मैं एक्सटेंड ए लगा सकता हूँ, क्यों, क्योंकि इंटरफेस में इंप्लीमेंट्स यूज करेंगे ना, लेकिन अपन ये क्लास है ना सर, अब ये क्लास को ज्वाइन कर रहे हैं ना, यस कॉमा करेंगे, यस कॉमा करेंगे, अभी मैं इंटरफेस को अटैच कर रहा हूं, तो दैट टाइम आई यूज इंप्लीमेंट पी, इंप्लीमेंट सी बी, क्लियर हो गया आपको यहां पे, ओके ये रहेगा आपका सर एस, हां यस अज्यूम करो ना, छूट गया तुम्हें, ओके चलिए क्लियर हो गया कि आपको, मुझे बताइए, यस any doubt? Yes, sir. चलिए yes, हाँ अभी अपन देखते हैं सर, ये मल्टीपल इसमें काम कर रहा है, हाँ तभी देखो ना मल्टीपल नंबर ऑफ आ गया ना, अभी मैं आपको दूसरा कॉम्बिनेशन बताता हूँ, ध्यान दो ओके, यहाँ पे एक क्लास है यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे लिखने का तरीका बता रहा, अभी इतना पढ़ाई लिया तो कौन बता देते हैं, बट क्या है तो अब देखो इसको लिखने का तरीका, अभी मैं थोड़ा फास्ट लिखता हूँ, यहाँ पे ये एक क्लास है, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ ओके, यह आपका इंटरफेस है, आई लिखता हुआ सिर्फ, और ये बी लिखता हूँ, तक लग गया इंटरफेस है ये, और ये आपका क्लास है ए नाम का, ए नाम का ओके, और ये क्लास है मेरा सी नाम का, पहले इंटरफेस लिखा बाद में क्लास लिखा बाद में ये लिखा, लेकिन जब अपन इस क्लास को लिखेंगे ना तो लिखते वक्त ऐसे ही लिखेंगे हम लोग, क्लियर हुआ क्या आपको, क्लास सी एक्सटेंड ए इंप्लीमेंट बी, तो कभी भी रिस्पेक्ट देना पड़ता है, एक क्लास, अब एक क्लास को दूसरा क्लास ज्वाइन हो रहा है ना, तो पहले क्लास लिखो एक्सटेंड ए लिखो, और बाद में अपन इंटरफेस लिखो, पहले इंटरफेस लिखा होगा तो भी, क्लियर हुआ कि आपको मुझे बताइए, यस यस सर ओके यस, चलिए तो पहले हमें एक मतलब इंप्लीमेंट अगर पहले लिया तो नहीं नहीं एरर नहीं देता है ये, हम लोगों को जो अपना टेस्टर रहता है ना अपने कंपनी वाला, वो अपने को भागा भागा के ये करेगा, तो क्योंकि रूल रहते ही है, समझ में आ रहा है ना, एरर नहीं आएगा लेकिन लिखने का तरीका जो होता है ना, कैसे भी लिखो तो भी आपको लिखना ही पड़ेगा, क्लियर हो गया आपको ओके। अब यहाँ पे इंटरफेस अज्यूम करते हैं हम लोग, यहाँ पे एक इंटरफेस बी है, इंटरफेस सी है ओके, ये अपन देख बता रहा हूँ मैं आपको ओके, ये है अभी आप यूज ऐसा करता हूँ ओके, ये सब अटैच है, कॉम्बिनेशन बता रहा हूँ आपको, अज्यूम करते ये इंटरफेस ए है, ये इंटरफेस बी है, और ये इंटरफेस सी है, और ये सॉरी इंटरफेस नहीं क्लास सी है, और ये क्लास डी है, तो इसको लिखते वक्त मैं कैसे लिखूंगा, यहाँ पे लिखते वक्त देखिए कैसे लिखता हूँ, तो क्लास सर अपना ये जो इंटरफेस है, वेट अ मिनट एक मिनट के लिए, अपन इसको एक्सटेंड
सी, ये इंटरफेस ए है, ये इंटरफेस बी है, और एक क्लास आपका सी है और ये क्लास डी है। ओके लिखते हैं ऐसे ही लिखेंगे अपन, कॉमा इम्प्लीमेंट ए कॉमा इम्प्लीमेंट बी। अब समझ में आ गया आपको, इतना क्लियर हुआ क्या मुझे बताइए? यस यस ओके। अभी एज्यूम करते कि हमारे पास ये क्लास सी है ही नहीं, सिर्फ दोनों ही इम्प्लीमेंट रहेंगे, तो इसको निकाल देंगे इंटरफेस ही है। एज्यूम करते कि ये एक क्लास सी नहीं है अपने पास, समझ में आ रहा है? अपने पास इंटरफेस ए है और इंटरफेस बी है, इज इट क्लियर? तो इसको अपन ऐसे भी अटैच कर सकते हैं, इसका मतलब समझ में आ गया। एक क्लास को एक ही एक्सटेंड कीवर्ड लगा सकते हैं, इसलिए एक क्लास एक ही सुपर क्लास को ज्वाइन कर सकता है। अब यहाँ पे देखो, एक सब क्लास नंबर ऑफ इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड यूज कर सकता है, समझ में आ रहा है आपको? इसका मतलब एक सब क्लास नंबर ऑफ इंटरफेस को अटैच कर सकता है, क्लियर हो गया आपको? यस सर, बेसिकली हम बोल सकते हैं कि सेल्सफोर्स में अगर मल्टीपल इनहेरिटेंस करना है तो इंटरफेस के थ्रू होगा, अदरवाइज नहीं होगा। यस 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 ओके ओके समझ में आ रहा है? तो कहने का मतलब क्या आता है, एक सब क्लास एक ही सुपर क्लास को ज्वाइन कर सकता है, लेकिन एक सब क्लास नंबर ऑफ इंटरफेस को ज्वाइन कर सकता है। कोई लिमिट नहीं है, दो लगाओ, चार लगाओ, पांच लगाओ, दस लगाओ, ऐसे समझ लो ये तीनों के तीनों इंटरफेस रहते हैं। तो मुझे और एक कॉमा करके लिखना पड़ता था, कॉमा इंटरफेस इम्प्लीमेंट सी करके। समझ में आ गया आपको? इज इट क्लियर और नॉट, जस्ट टेल मी। ओके चलो चलो, वेरी गुड। हाँ बोलो बोलो, आप कुछ बोलो। अपना जो इनहेरिटेंस है ये अपने को कहाँ पे एक्चुअली यूज में आएगा, मतलब ये ऑरा में यूज होता है, ऑरा में यूज होता है ना? ये इंटरफेस ऑरा में यूज होते हैं, और आप इंटीग्रेशन पढ़ोगे ना, इंटीग्रेशन एक अपने सेलफोर्स की एप्लीकेशन को दूसरे एप्लीकेशन के साथ जब ज्वाइन करते हैं तो पूरे इंटरफेस ही यूज करना पड़ता है अपने। सर फिर उस वक्त में तो अपना जो ऑर्ग रहेगा वो सेम रहेगा, तो एप्लीकेशन के साथ में अपन इंटीग्रेशन पे वर्क करते हैं या ऑर्ग के साथ? ऑर्ग के साथ, दूसरे ऑर्ग के साथ, वो जावा के साथ, सेलफोर्स में जावा, अभी सेलफोर्स में तूने बनाया है खाना एप्लीकेशन, और तेरा क्लाइंट होगा उसका एप्लीकेशन पुराना जावा के साथ होगा, तो वो बोलेगा कि भाई मैं मेरा सॉफ्टवेयर मैं सॉफ्टवेयर को हटा नहीं सकता, तू तेरे मॉडिफिकेशन जो सेलफोर्स में बनाया वो जावा के अंदर डाल, तो उसको बोलते इंटरफेस, उसको बोलते इंटीग्रेशन। ओके तो अपन जावा के अंदर भी अपन सेलफोर्स डाल के रन कर सकते हैं। ओके दैट इज कॉल्ड इंटरफेस। चलिए अपन नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, एक्सेप्शन हैंडलिंग। एक्सेप्शन हैंडलिंग इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये पूछा जाता है। ओके एक्सेप्शन हैंडलिंग, एक्सेप्शन हैंडलिंग जो रहता है ना उसको ट्राई और कैच बोलते हैं हम लोग। ओके ट्राई जो अपने एपीआई और कस्टम वो नहीं ये अलग करते, वो भूल जाओ, ये अपने ट्रिगर में यूज होता ना ट्राई। हाँ ये भूल जाओ अभी थोड़ी देर के लिए, वो टॉपिक खत्म हो गया आपके, ये एक्सेप्शन हैंडलिंग है, बहुत अच्छा टॉपिक है ये। ओके कैच, हाँ यस यस तू यूज कर रहा है ना अभी, कंपनी में यही होता है। अब मैं यूज नहीं करता हूँ क्योंकि ये पहले ट्रिगर को डर जाते हैं। कैच का स्पेलिंग क्या है? जी यूज किया मैंने। सर ये यूज होता है सेल्सफोर्स में? हाँ अब पागल हो क्या, मैं ऐसी पढ़ा हूँ क्या? ओके कैच का स्पेलिंग क्या है बता रहे, भूल गया अभी। अच्छा इतना पढ़ा रहता ना तो आदमी पागल हो जाता है। चलिए देखिए कैच, ओके देखते हम लोग क्या रहता है, तो ट्राई एंड कैच। ओके इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये जनरली पूछा जाता है। ओके अभी हम लोग देखते हैं, हम लोग अपन सेलफोर्स में जाते हैं, उसमें बताता हूँ आपको। ओके आउटपुट ही दिखाता ना मैं वर्की। चलिए हम लोग हमारा टॉपिक ओपन ही नहीं, म्यूट करो म्यूट करो म्यूट करो म्यूट करो। सर रिकॉर्डिंग ऑन है ना? शायद से ऑन है ना, हाँ है मैं तो, क्योंकि ये देखो मैं बता रहा हूँ ये पहली बार तुमको पढ़ा रहा हूँ ये बैच को, क्योंकि आजकल इंटरव्यूज में ज़्यादा करके अंकुश को पूछ लो कि आजकल इंटरव्यू कंसेप्ट बहुत पूछ रहे हैं। ओके इसलिए मुझे नहीं क्या आपको, इसलिए मैंने आपका टॉपिक ये लिया है। तो अपन कौन सी इससे वर्क करते थे, कल्याणी काम है
लीना भी ये नहीं नहीं लीना मैम जो है ना उनके साथ में एक्चुअली OLWC का काम कर रहा है इसलिए उनका और बहुत खराब हो गया पूरा बहुत भयंकर अभी वर्क हो रहा है वहाँ पे। चलो हम लोग देखते हैं आज लीना मैम नहीं आया क्या हेलो लीना मैम नहीं है क्या नहीं नहीं आवाज आ रहा था उनका शी इज वेरी रेगुलर एंड अमित सर अजय सर हेलो हाँ सर समझ में आ रहा है ना सर आपको यस सर यस सर ओके चलिए क्या अपन कौन सा महेश के साथ वर्क करते हैं आज अपना उस कंसेप्ट ख़त्म करना है और कल लिस्ट और परसों के दिन मैप और उसके बाद हम लोगों को डायरेक्ट DML स्टेटमेंट उसके बाद SOSL SOQL वो करना है ये संडे तक और मंडे के दिन आपको VF पेजेस वर्क करना है और उसके बाद अपना ट्रिगर्स बस खत्म हो जाता है अपना। चलो कब तक खुलेंगे कौन से नोट्स तो आप देने वाले थे हाँ हाँ वो नोट्स ना वो मैं देता हूँ आपको वो दे देता हूँ नोट्स हाँ लेकिन ऊप्स के जो नोट्स है ना आप लोगों को मैं पहले बता रहा कि ऊप्स के जो नोट्स है वो आपको बनाना है इसलिए मैं बना के दूंगा आपको लेकिन मेरे पास जो क्योंकि देखिए कैसा था वो अपने तरीके से आपको लिखना है और जितने मैंने पढ़ाया ना उतना ही ज़्यादा दिमाग लगाने का नहीं अब आपको लगाना है तो आपका लुकआउट है मैं उसके लिए कुछ नहीं बोलूँगा नहीं तो आदत रही थी लोगों की ये पढ़ूँ वो पढ़ूँ वो पढ़ूँ मैं वापस पहले कंपनी में जाओ बाद में ज़िंदगी भर पढ़ना ही चाहिए वो अंकुश को पूछ लो कितना पढ़ते हैं तब हंसी आएंगी कि मैंने कितना पढ़ा है और अभी कितना पढ़ना पड़ रहा है आप रोज़ एक घंटा में पढ़ा रहे हो आप दो घंटे प्रैक्टिस करते हैं जब वो रोज़ आठ घंटा नौ घंटा जब रोज़ प्रैक्टिस करते हैं ना तो नॉलेज बढ़ जाता है और बहुत फास्टली पॉलिश हो जाते हैं क्यों क्योंकि मैंने आपको इतना बेसिक पढ़ा रहता है कि आपको नॉलेज आ जाता है लोड मत लीजिए उसका इसलिए मेरे ऊपर विश्वास रखिए और चलिए आप लोग आगे चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे लिसनिंग चलिए हम लोग एक ये बना देते हैं सर अभी सेल्सफोर्स में कुछ चेंजेस आए ना क्या मतलब रिसेंटली लास्ट वीक पहले क्या हो गया मॉडिफिकेशंस आए ना सेल्सफोर्स के अंडर में मतलब जो एप्लीकेशन वगैरह अपन बना रहे थे उसमें भी और चेंजेस आए हाँ अभी ये सैटरडे को हुआ ना उसका चेंजेस वो तो आते ही रहते हैं चेंजेस आया है सर उससे अपने वर्जन पे इंपैक्ट नहीं पड़ता क्या वर्जन में तो इंपैक्ट पड़ता है ना बेटा नहीं नहीं इस पे अपन ने जैसा फेसबुक डाउनलोड करके रखे है नहीं नहीं वो ऑटोमेटिकली वो जब भी इंटरनेट अटैच हो जाता है ना तो ऑटोमेटिकली वर्क हो जाता है वो ओके चलिए अभी हम लोग देखेंगे यहाँ पे लिसन हियर मैं आपको कुछ बताता हूँ ओके व्हाट इज ट्राई एंड कैच ट्राई और कैच क्या होता है तो देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा मैं सिंपल बता रहा हूँ एक क्लास बना रहा हूँ आप लोगों का एक ध्यान दीजिए रे मैं एक क्लास बना रहा हूँ यहाँ पे XYZ नाम का XYZ ओके ये मैं एज अ वाइट बोर्ड के समान इसको यूज़ कर रहा हूँ हाँ ध्यान देना वो बाकी का छोड़ दो क्या है तो ये जो इज जस्ट लाइक अ वाइट बोर्ड एक वाइट बोर्ड है वो वाइट बोर्ड के समान आपको यूज़ कर रहा हूँ हाँ ध्यान दो नहीं तो आप बोलोगे सर ये क्या है वो क्या है वो छोड़ दो अभी क्या है तो बाद में अपने को यही पढ़ना है अभी इसके बाद एक क्लास है उसके अंदर अपन इंटीजर नाम का एक वेरिएबल है ए इक्वल्स टू 10 दे देते हैं ओके बाद में एक वापस से इंटीजर लेते हैं बी इक्वल्स टू हम लोग 0 देते हैं ध्यान दो रे और यहाँ पे अपन क्या करते हैं इंटीजर सर इंटीजर का स्पेलिंग रॉन्ग है ओके इंटीजर और यहाँ पे अपन दे देते हैं सी ओके सम या सी दे देते हैं ओके सेमीकोलन और यहाँ पे अपन यूज़ करेंगे इसको सी इक्वल्स टू ए डिवाइड बाय बी सेमीकोलन ध्यान दो रहे हाँ मैं क्या कर रहा हूँ सिस्टम डॉट डीबग ओके और यहाँ पे डिस्प्ले करेंगे C equals to plus C
कैपिटल सी है ना. चलिए एक एक सिंपल लिखा है मैंने, कुछ ऐसा कुछ दिमाग लगाने लायक कुछ छोड़ दो, दिमाग लगाने लायक ऐसा कुछ सोचो मत. एक सिंपल ए नाम का वैल्यू लिया है 10 और इंटीजर दिया है बी इज इक्वल टू 0. बाद में एक इंटीजर दिया है अपन ने सी और सी इज इक्वल टू ए डिवाइड बाय बी दिया हुआ है. बाद में सिस्टम डॉट डीबग डॉट सी की वैल्यू को डिस्प्ले कर दिया. इतना क्लियर हुआ क्या मुझे बताओ? ओके यस. हाँ yes. अभी सबसे पहले देखो एक्सेप्शन का मतलब होता है एरर. एक्सेप्शन मतलब क्या होता है? एरर. तो बेसिकली अपने पास कितनी एरर्स होती है? आई हैव द 3 एरर्स. पूछे जाते हैं बता रहा हूँ हाउ मेनी एरर्स क्रिएटेड इन द सेल फोर्स. बेसिकली 3 एरर कैन बी क्रिएटेड इन द सेल फोर्स. पहला कौन सा एरर रहता है आपका? ध्यान दीजिएगा, सिंटैक्स एरर रहता है. सिंटैक्स एरर मतलब क्या होता है? आपने सेमी कॉलम नहीं लिखा या सेमी कॉलम नहीं लिखा था मैंने, वो एरर दे देगा. इंटीग्रेशन का स्पेलिंग मैंने गलत लिखा था, वो गलत है. ये ब्रैकेट नहीं लिखा तो इसको सिंटैक्स एरर बोलते हैं. क्लियर है आपको? उसके बाद दूसरा जो एरर होता है उसको अपन रन टाइम एरर बोलते हैं. हेलो म्यूट करो. अभी इसको रन करेंगे ना अपन ये प्रोग्राम को. देखिए ये मैंने सेमी कॉलम नहीं लिखा, सिंटैक्स लिखा, क्योंकि हर सेंटेंस सेमी कॉलम से एंड होना चाहिए, पता है ना आपको? यस. ये सिस्टम के बीच में डॉट देना चाहिए, रूल है ना ये? यस और नो है कि नहीं? तो इसको बोलते हैं सिंटैक्स एरर. ओके इसको बोला जाता है सिंटैक्स एरर. इज इट क्लियर? ओके तो ये सिंटैक्स एरर कौन फाइंड करता है? सेल फोर्स फाइंड करता है. दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है अपने को. ओके दूसरा एरर जो रहता है ना उसको हम लोग बोलते हैं रन टाइम. अब इसको रन करेंगे हम लोग, और रन करते वक्त क्या होता है आपको नहीं किया तब एरर देता है, ड्यू टू सम रीजन योर प्रोग्राम कैन नॉट बी रन. ये हमेशा ऑरा में आपको बहुत बार आएगा. ओके ड्यू टू सम रीजन योर क्लास कैन नॉट बी रन. तो वो एरर को हम लोग क्या बोलते हैं? रन टाइम एरर. तो जिस वक्त रनिंग के वक्त जब एरर आता है, एग्जीक्यूशन के वक्त एरर आता है, उस एरर को हम लोग क्या बोलते हैं? रन टाइम एरर. अभी अपन क्या कर रहे हैं? लिख रहे हैं, सेमी कॉलम नहीं लिख रहे हैं, डॉट नहीं लिख रहे हैं. हम लोग सिंटैक्स जो सेलफोर्स का लिखने का तरीका है उसको अपन गलत लिख रहे हैं, उसको बोलते हैं सिंटैक्स एरर. तो वो सेलफोर्स फाइंड कर लेता है. लेकिन अभी मैंने बराबर लिखा, अपन इसको कंट्रोल एस करेंगे, वो बराबर होगा तो बराबर सेव भी होगा ना. ये सॉर नो क्लियर? ओके सेव हो जाएगा. बट इसको जब रन करेंगे तो रन नहीं होगा. ड्यू टू सम इंटरनल इश्यू ऑफ अ सेल फोर्स वो रन नहीं करेगा और वो एरर दे देगा. ओके योर प्रोग्राम कैन नॉट बी रन. तो ऐसे वक्त कब एरर आई? रनिंग के वक्त एरर आई. इसको हम लोग बोलते हैं रन टाइम एरर. इज इट क्लियर और नॉट? यस सर. चलो वेरी गुड. चलो और तीसरा जो एरर होता है ना वो एरर रहता है आपका लॉजिकल एरर. सबसे हार्मफुल एरर रहता है लॉजिकल एरर. अभी एग्जाम्पल तौर पर देखो यहाँ पे. अभी हम लोग ऐसे करते हैं, मुझे क्या करना है? एडिशन करना था. ओके मैंने अंकुश को बोला, अंकुश यार एक प्रोग्राम बना, पर ए की वैल्यू 10 ले और बी की वैल्यू 20 ले और मुझे सी के अंदर उसका एडिशन आना चाहिए. यस और नो? ओके लेकिन अंकुश साहब क्या करेंगे? अपना लॉजिक गलत कर देंगे. ओके अंकुश साहब अपना लॉजिक गलत कर देंगे और यहाँ पे मैं जब बोलेंगे हाँ सर प्रोग्राम बन गया ले लीजिए, मैं प्रोग्राम लेके जाऊंगा घर में और देखूंगा उसको, तो मेरे पे आंसर अर्ली आ रहा है सी इज इक्वल टू 0. यस और नो? क्योंकि प्रोग्राम तो बराबर है. देखो ना प्रोग्राम के अंदर कुछ भी एरर नहीं है ना भाई. सिंटैक्स ओके है, मतलब सिंटैक्स एरर नहीं है. बाद में इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो रन भी हो रहा है, मतलब रन टाइम भी एरर नहीं है. ओके लेकिन उसका जो आउटपुट है वो गलत आ रहा है. इसका मतलब कौन सी एरर है वहाँ पे? लॉजिकल एरर. तो बेसिकली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एरर. वन इज कॉल्ड सिंटैक्स एरर, सेकंड वन इज कॉल्ड रन टाइम एरर. सिंटैक्स एरर कब क्रिएट होती है? जब अपन प्रोसेस करते हैं तब, लिखते हैं तब, उस वक्त. ओके रन टाइम एरर जब एग्जीक्यूट होता है तो उस वक्त. और तीसरा कौन सा रहता है आप लोगों का? लॉजिकल एरर. लॉजिकल एरर कभी शो नहीं होते, लॉजिकल एरर सिर्फ यूजर को ही ढूंढना पड़ता है. अब ये तुम्हारे 4 लाइन में ढूंढने के लिए बोला, 100,000 लाइन में लॉजिकल एरर ढूंढो. सबसे पहले तुमने क्या गलती की ये लॉजिक तुमको पता रहना चाहिए ना. ये सर लो. ओके तो कोई भी अनडिफाइन जो अनडिफाइन वेरिएबल है वो लॉजिकल एरर नहीं आएगा ना? नहीं 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 आएगा.
ओके ह्यूमन एरर ये ह्यूमन एरर आएगा हाँ वो लॉजिकल एरर आएगा ना मैम वो एरर आएगा ना आपका लॉजिकल ओके आपको देखो एरर शो सेल्फ फोर्स शो नहीं करेगा वो आपका लॉजिक गलत आएगा ना तो समझ जाने का अपना दिस इज कॉल्ड द लॉजिकल एरर समझ में आ रहा है क्या ये लॉजिकल एरर इसे शो नहीं होती कहीं ओके हमें फाइंड करना पड़ेगा वो हाँ क्योंकि लॉजिक भाई तुमने गलत किया सेल्फ फोर्स ने किया है क्या नहीं तो लॉजिक तुमको इसलिए सबसे हार्मफुल जो एरर रहते हैं दैट एरर इज कॉल्ड द लॉजिकल एरर ओके समझ में आ रहा है क्या यस सर वो बोलता है सबसे एरर कौन सा लॉजिकल एरर क्यों एक लाख लाइन में तुम्हारा लॉजिक गलत कहाँ पे ढूंढो रहा मजा आता है सिंटैक्स गलत रहेगा तो सिंटैक्स सट से दिखा देता है सेल्फ फोर्स से दिखा के देता है ये लाइन पे ये पॉइंट पे एरर है जाओ वहाँ पे पढ़ से कवर कर लो लेकिन एक लाख लाइन के अंदर लॉजिक गलत होगा ढूंढो तुम ढूंढो ढूंढो है ना हाँ तो लॉजिकल एरर इज वेरी हार्मफुल तो अभी अपन देखते हैं यहाँ पे चलिए अपन अपना वर्किंग देखते हैं क्या है अपना चलिए अभी यहाँ पर लॉजिक नहीं चेक करता आगे जैसे एग्जाम्पल तौर पर मैं क्या करूंगा अभी तेरे को जॉब लग गया है ना तूने अभी तक मेरे को काजू कतली ला के नहीं दी है कि नहीं अब मैं इतने पेशन से मैं बोल रहा हूँ तेरे को मजा ले रहा अब कुछ ओके अब तू क्या करेगा मेरे को काजू कतली का खाली पैकेट लेके आ जाएगा ओके तो वो इफ क्या करता है वो चेक करता है कि वैल्यू आ रही है कि नहीं आ रही समझ में आ रहा आपको हाँ वो चेक करता है कि मैं दूसरे जगह से दूसरे जगह पे वैल्यू भेजता हूँ ना तो चेकर क्या करता है चेक करता है कि भाई इसने वैल्यू भेजी है क्या नहीं भेजी होगी तो वो स्टॉप कर देता ऑपरेशन करना ओके वो लॉजिक लेयर में लाइक इज़नल ऑपरेशन सर यस 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 चलिए ओके इज़नल यस यस इज़नल यस यस कौन किसने बोला ये रितिका यस यस दैट इज कॉल्ड यस दिस इज ऑल टेक्निकल वर्ड ओके इज़नल ऑपरेशन अपन देखेंगे आगे बाकी के लोग चलिए यहाँ पे देखते हैं हम लोग ए और बी और सी वैल्यू रहेंगे सी इज इक्वल टू ए कॉमा बी अब अपन देखते हैं हम लोग देखते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग व्हाट इज मीन बाय द एक्सेप्शन हैंडलिंग जस्ट टेल ओके एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होता है अपन देखते हैं हम लोग ओके इट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई पूछा जाता है ओके चलिए एक्सेप्शन हैंडलिंग का मतलब क्या होता है एक्सेप्शन का मतलब होता है एरर ओके एरर होता है अभी क्या हो रहा है ध्यान दीजिएगा अभी ये अपन अभी मैं आपको बताता हूँ क्या हो रहा है तो ओके एक प्रोग्राम है आपका ध्यान दो रे ये एक प्रोग्राम है और इस प्रोग्राम के अंदर 1, 2, 3, 4, 5 और 6 स्टेटमेंट है ध्यान दो 6 स्टेटमेंट है मैं बताता हूँ व्हाट इज द यूज ऑफ एक्सेप्शन हैंडलिंग एंड व्हाट इज द यूज ऑफ ट्राई एंड कैच पहले अपन कंसेप्ट पे जाने के पहले वो देखते हैं उसका सीनारियो क्या रहता है तो ये एक क्लास है या एक आपका प्रोग्राम है जिसके अंदर 6 स्टेटमेंट हो सकते हैं 1000 भी स्टेटमेंट रह सकते हैं 1,00,000 भी स्टेटमेंट रहते हैं ओके तो 6 स्टेटमेंट है अब एज्यूम करते हैं कि ये स्टेटमेंट के अंदर एरर है आपकी कौन सी एरर दो ही एरर हाँ एक आपकी सिंटैक्स और दूसरा रन टाइम एरर ध्यान दो ओके लॉजिकल एरर छोड़ दो थोड़ी देर के लिए क्योंकि वो अपनी एरर क्रिएट की हुई है तो वो शो ही नहीं करता अभी हम लोग दो ही एरर के बारे में सोच रहे हैं कौन सी एरर के बारे में एक सिंटैक्स एरर और दूसरी रन टाइम एरर क्लियर हो गया आपको चलो अभी अपन पहला पढ़ते हैं हम लोग बता दो मेरे नहीं बेटा वो अलग होता है ओके क्लाइंट की तरफ भी तैयार होती है चलो देखते हम लोग हमारे पास नहीं क्या एक क्लास के अंदर 6 आपके पास क्या है 6 यहाँ पे स्टेटमेंट है मतलब हमारे पास एक प्रोग्राम है जिसके अंदर 6 अपने पास स्टेटमेंट है और ये तीसरे स्टेटमेंट में एज्यूम करते हैं कि अपने पास एक सिंटैक्स एरर आई है पहले अपन सिंटैक्स एरर का देखते हैं मतलब अपन ने सेमी कॉलम भूल गए यस और नो क्लियर हो गया आपको कितना क्लियर हुआ कि आपको बताओ अब इस प्रोग्राम को अपन रन करेंगे चलिए यहाँ पे अपन उसका ही एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे दे देता हूँ ये मेरे पास 1, 2, 3, 4, 5 लाइन है और यहाँ पे मेरे पास एक एरर आ गई मैंने सिंटैक्स लिखा ही नहीं अब इस प्रोग्राम को मैं रन करूँगा तो रन कर होगा ही नहीं वो रन करने के पहले वो क्या करेगा भाई यहाँ पे सिंटैक्स एरर है करके समझ में आ रहा है कि आपको ओके और देंगे कि लाइन नंबर 6 के अंदर आपकी एरर है कौन सी सेमी कॉलम की तो वो अपन दे देंगे यहाँ पे
इतना क्लियर हो गया कि आपको मुझे बता। ओके, ये सिंटैक्स एरर जो होती है, ये सिंटैक्स एरर होती है जो जो आपका प्रोग्राम रन करने के पहले ही शो होता है, क्योंकि एरर है तो वो रन ही नहीं करेगा ना, यस और नो। तो सिंटैक्स एरर आपका रन होने के पहले ही शो होता है और उसको अपने को फुलफिल करना पड़ता है। चलो अभी हो गया पूरा वर्क, दिख रहा है क्या? हो गया ना, सब बराबर है। अब इसको अभी देखते हैं, चलो यहाँ पे वापस आते हैं। अभी यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 छः। अभी यहाँ पे देखो तीसरे लाइन के ऊपर एक एरर है, और कौन सी एरर है यहाँ पे ध्यान दीजिए, कौन सी एरर है? अभी ये एरर है आपकी रन टाइम एरर है, ध्यान दो। पहले क्या थे, क्या था आपका सिंटैक्स एरर थे। ओके, सिंटैक्स एरर थी तो रन होने के पहले उसने बता दिया कि लाइन नंबर 6 के अंदर सेमी कॉलम नहीं था, अपन ने क्या किया उसको सेमी कॉलम लगा दिया। ओके, क्लियर? इज इट क्लियर? हाँ जी, ओके ओके, वेरी गुड। लेकिन अभी क्या होता है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अभी क्या होता है ध्यान दीजिएगा। ओके, अभी वापस से अपने 6 लाइन का कोड लिखा और उसके अंदर आपके थर्ड लाइन के अंदर अभी कौन सी एरर आ रही है? रन टाइम एरर आ रही है। ओके, रन टाइम एरर कैसी होती है? रन टाइम एरर मैं बताता हूँ, फिलहाल दिमाग से निकाल लीजिए। अब रन टाइम एरर आ रही है आपकी, तो अभी क्या होगा आपका प्रोग्राम, सिंटैक्स तो ओके है, ध्यान दो रे, अभी सिंटैक्स और के है, अब प्रोग्राम को रन करना है। तो रन करते वक्त कैसे करेगा वो ध्यान दीजिएगा, रन करेगा तो रन करते वक्त पहले ये स्टेटमेंट को रन करेगा, यस, बाद में ये स्टेटमेंट को रन करेगा, और ये स्टेटमेंट के अंदर उसको एरर आ गई। कौन सी एरर आई? रन टाइम एरर आ गई, रन टाइम एरर आ गई, यस यस, रन टाइम एरर आ गई। तो वो क्या करता है, सीधा यहाँ से उठ के यहाँ पे आ जाएगा और वो दे देगा यहाँ पे, ओके, दिस प्रोग्राम हैव द रन टाइम एरर। ओके, वो उसको रन ही नहीं करेगा। क्लियर हुआ क्या आपको, बताओ? यस यस सर, पहले भी तो वही कर रहा था ना, सिंटैक्स एरर के अंदर भी वो क्या कर रहा था, वही काम कर रहा था आपका। यस सिंटैक्स एरर के अंदर भी वो क्या करता, वही काम कर रहा था, लेकिन नहीं, सिंटैक्स एरर के वक्त वो क्या करता, रन करने के पहले ही एरर दे रहा था वो, समझ में आ रहा है क्या? ओके, और उसको अपने को क्लियर करना पड़ता था। रन टाइम एरर में क्या हो रहा था, एरर कुछ भी नहीं है, अब प्रोग्राम रन होना चालू हो गया। रन होना चालू करेंगे तो देखिए, जैसे अंकुश एक लड्डू खाएगा, दूसरा लड्डू खाएगा, इट्स ओके, लेकिन तीसरा लड्डू खाएगा तो उसका पेट दर्द देना चालू होगा। तो एरर कब आई, इस जगह पे आई, पहले एरर आई थी क्या? नहीं। तो रन टाइम, आप समझ में आ रहा डिफरेंस सिंटैक्स एरर और रन टाइम एरर में? सिंटैक्स एरर आया तो रन करने के पहले वो शो कर रही थी, उसको अपन क्लियर कर सकते हैं। रन टाइम एरर क्या होता है, प्रोग्राम रन होता है, पहला एग्जीक्यूट होगा, दूसरा एग्जीक्यूट, तीसरे इसमें एग्जीक्यूट हो रहा है ना, तो वो क्या करेगा, एरर आ रही है ये इधर से इधर आ जाएगा आपका। इतना क्लियर हुआ कि आपको, बताओ, समझ में आ रहा आपको? लेकिन अल्टीमेटली अल्टीमेटली क्या होता है, अल्टीमेटली क्या होता है, ओवरऑल प्रोग्राम को वो एरर दे देता है। समझ में आ रहा आपको? यस यार, बोलो ना यार, मैं रिप्लाई कितना लेट करते हैं आप लोग, ये एसएस करने के लिए मेरे को आधा घंटा लगता है। सिंटैक्स एरर होगा तो वो लाइन बाय लाइन चेक करेगा, रन टाइम में वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट, हां यस, एग्जीक्यूट करेगा। ओके, तो यहां पे इतना क्लियर हुआ कि आपको, मुझे बताइए। यस, अब बोलेंगे सर इससे फायदा, पहले भी तो एरर दिखा रहा था, अभी भी एरर दिखा रहा था, नहीं अभी देखो क्या क्या रहता है, तो अभी बताओ इससे इसका क्या भयंकर रिजल्ट आता है, मैं आपको बताता हूँ। अभी गंधारे सर है ना अपने बैठे हुए, अभी गंधारे सर के पास 1,00,000 रुपये बैंक में रखे हैं, और अपने को अभी कौन सा एरर आ गया, एग्जीक्यूशन एरर आ गया। अब देखो कैसा होता है, तो एक सेकंड में सर कैसे कंगाल होते हैं अपन देखते हैं, अपन ड्यू टू दैट एरर अभी देखिए क्या, इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओके, अभी ये देखो गंतारे सर है, गंतारे सर की एक बैंक अकाउंट है, बैंक अकाउंट के अंदर 1,00,000 रुपये है, एग्जैक्टली है, और गंतारे सर को क्या करना है, उनके मिसेस को 1,00,000 रुपये ट्रांसफ़र करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे अपने अमुक सर को बोलेंगे, क्योंकि वो भी अमुक सर अपने वर्धा में रहते हैं और गंतारे सर भी, दोनों भी वर्धा में रहते हैं, तो बोलेंगे अमुक यार तू अच्छा है तो बना दे मेरे को प्रोग्राम। ओके, और ये प्रोग्राम बना के दे देंगे, कौन सा, सेलफोर्स में प्रोग्राम बना के देंगे कि गंधारे सर 1,00,000 रुपये अपने मिसेज के अकाउंट में, गंधारे सर के मिसेज के अकाउंट के अंदर वो ट्रांसफ़र करेगा। इतना क्लियर हो गया? तो उसके लिए नहीं क्या, अपने अमोक सर ने कोड लिखा। इतना क्लियर हो गया क्या आपको, बताओ रे, मतलब ये वाला कोड लिखा, इतना क्लियर हुआ क्या, बताओ कंसेप्ट, कितना हार्मफुल रहता है। अभी क्या होगा, लिसन, ये म्यूट करो, अभी क्या हो रहा है मालूम है क्या, यहाँ पे अभी क्या हो रहा है, गंधारे सर ने 1,00,000 रुपये ट्रांसफ़र कर दिए,
तो ट्रांसफर करेंगे तो क्या होगा, तो सबसे पहले मुझे गंधारे सर अपने मिसेस के अकाउंट में पैसे डालेंगे, तो तब क्या होता है, पहले गंधारे सर क्या करेंगे अपने मिसेस के अकाउंट के साथ ज्वाइन करेंगे, यस और नो। तो ये ज्वाइन करने के लिए क्या हो गया, ये स्टेटमेंट लग गया, तो गंधारे सर क्या करेंगे अपने मिसेस के जो भी अकाउंट होगा उस अकाउंट को ज्वाइन करेगा, हो गया इतना क्लियर। दूसरे स्टेटमेंट वो क्या करेंगे, 1,00,000 रुपये ट्रांसफर करेंगे, कर दिया उन्होंने 1,00,000 रुपये ट्रांसफर, अभी वो इंटरनेट में कहीं तो भी है वो 1,00,000 रुपये। और तीसरे इसमें क्या हो गया, ड्यू टू सम इंटरनेट इशू, इंटरनेट प्रॉब्लम, वो क्या हो गया कि वो सिस्टम भी पूरी बंद हो गई। अब क्या हो गया, ये बैंक वाला बोलेंगे ना भाई मैंने तो 1,00,000 रुपये ट्रांसफर कर दिए, अब देखते बैठो तुम लोग, यस और नो। और गंधारेधर की मिसेज बोलेंगे भाई मेरे को 1,00,000 रुपये आए नहीं, मेरे को कहते भी चाहिए, अब गंधारेधर क्या बोलेंगे, वो तो कंगाल हो गए ना, यस और नो, ओके। और ये प्रोग्राम क्या हो जाएगा, ये प्रोग्राम क्या हो जाएगा, आई एम नॉट डिटरमाइंड हो जाएगा, और ये प्रोग्राम दे देंगे रिजल्ट कि भाई प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है, लेकिन तब तक गंधारेधर के पैसे निकल गए ना उनके अकाउंट से, यस और नो, क्लियर हुआ क्या आपको, ओके। अब क्यों बता रहा हूँ, देखो अब ये दो स्टेटमेंट है, अब जब प्रोग्राम एंड होता था ना, तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट क्या था मालूम है क्या, कि गंधारे सर के पैसे मैम के अकाउंट में गए हैं क्या, उसका कंफर्मेशन था, ओके। और उसके बाद ये जो लास्ट स्टेटमेंट था ना, उनका लास्ट स्टेटमेंट वो क्या था, अब ये कनेक्शन क्रिएट किया है, ये कनेक्शन उसको बंद भी कर देंगे वो लोग, समझ में आ रहा है कि आपको ये स्टेटमेंट था ये वाला, क्योंकि नहीं तो कोई और दूसरा हैकर भी मैम के अकाउंट में से पैसे निकाल सकता है ना, कनेक्शन क्रिएट रहेगा तो, ओके। तो ये है, लेकिन एरर भाई यहाँ पे बीच में आ गई, एग्जीक्यूशन एरर, तो क्या होगा बताओ, अभी क्या होगा, पैसे तो कनेक्शन भी हो गया था, पैसे भी चले गए ओके, लेकिन ड्यू टू मीडिया प्रॉब्लम, ओके यहाँ पे एरर आ गई, लेकिन उसका जो क्लोज करने का तरीका, पैसे यहाँ पे रिसीव्ड हुए, वो उसका मतलब रिसीव होंगे ये वाले सेंटेंस के अंदर, वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ ना भाई, समझ में आ रहा है आपको, क्लियर हो गया आपको। तो मैं आपको पैसे मिलेंगे कैसे, क्योंकि एरर यही पे आ रहा है, और ये एरर आने के रन टाइम एरर आने के कारण क्या होता है, ये आगे का चेक ही नहीं करता अपने साथ, क्या बोलते हैं अपने सेल्फ फोर्स चेक ही नहीं करेगा इसको, ओके। और वो रन टाइम एरर दे देगा और नीचे बोल देगा कि भाई दिस प्रोग्राम है, एरर खत्म हो गया, लेकिन पैसे तो निकल गए ना सर के, इट इज़ अ वेरी डेंजरफुल एरर, समझ में आ रहा है आपको, ये एरर बहुत डेंजरफुल रहती है। सिंटैक्स एरर चल जाता था, क्योंकि सिंटैक्स एरर क्या होता था, एग्जीक्यूट करने के पहले चेक कर रहा है ना वो, ओके एग्जीक्यूट नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे एरर पहले चेक कर रहा है, तो उसको मॉडिफाइड कर रहा है, इज इट क्लियर। लेकिन रन टाइम एरर कितनी हार्मफुल है, समझ में आ रहा है क्या आपको, यस सर नो, यस सर, ओके। बहुत तकलीफ है ना भाई, पैसे निकल गए आए नहीं, तो ऐसे वक्त अपन क्या यूज करते हैं, एक्सेप्शन हैंडलिंग यूज करते हैं, समझ में आ रहा है। तो अभी समझ लो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एरर, 3 टाइप्स ऑफ एरर, कौन सी एरर है बताओ, लॉजिकल एरर, चलो लॉजिकल सबसे हार्मफुल एरर लॉजिकल रहती है, वो निकाल लो अपने। अब सिंटैक्स एरर का ड्रॉबैक है कि वो मिल जाती है, लेकिन रन टाइम एरर का क्लियर हो गया आपको। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग जो रहता है ना, वो हमेशा अपन किसके लिए यूज करते हैं, रन टाइम एरर के लिए यूज करते हैं, ओके। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग इज ऑलवेज वर्क विथ ऑलवेज वर्क विथ रन टाइम एरर। अब समझ में आ रहा है आपको, किसी ने पूछा तो समझ में आएगा आपको, एरर, यस सर, क्लियर हो गया आपको, इज इट क्लियर, ओके। और उसके लिए अपन यूज करते हैं ट्राई एंड कैच, ट्राई ब्लॉक बोला जाता है और कैच मेथड बोली जाती है। अब ब्लॉक और मेथड का मतलब भी बता देता हूँ आपको, मैंने पूरा कंसेप्ट पढ़ाया रहे हमें, अब इसके ऊपर सेलफोर्स में रहता ही नहीं कुछ, या तुम्हारा ऐसा समझ लो आधा जावा पढ़ा दिया मैंने आप लोगों को, ओके। लेकिन वो जावा में अलग होता है, ये ट्राई ब्लॉक और कैच रहता है, ट्राई और कैच रहता है, ओके। अब क्या होता है तो देखो, अब मुझे पता है ना ये थर्ड लाइन के अंदर एरर आ सकती है, ये सर नो, ओके। अब मैं बताता हूँ कैसे रन टाइम एरर रहती है, देखो अभी इसके अंदर सिंटैक्स एरर के कुछ भी, सेमी कॉलम बराबर दिया, इंटीजर बराबर लिया, सब बराबर लिखा है, ओके। जब अपन इसको एग्जीक्यूट करेंगे, देखो ये प्रोग्राम को अभी एग्जीक्यूट करेंगे, अभी गंधारे सर अज्यूम करते हैं, ये गंधारे सर क्या कर रहे हैं, अभी 10,000 रुपये अपने मिसेस को पास कर रहे हैं, अब ये एग्जीक्यूशन बराबर हो रहा है, देखो बराबर हो रहा है,
ये बराबर रन होगा, ये बराबर रन होगा, ये बराबर रन होगा, ये बराबर रन होगा, बराबर रन होगा, सब 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 बराबर होगा, 10,000 रुपये ट्रांसफर हो जाएगा, एज्यूम करते हैं। ओके ये देखो 10 डिवाइड बाई 10 है, तो 10 डिवाइड बाई 10 तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, और सी के आंसर सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, मतलब ये प्रोग्राम रन हो गया आपका। चलो हो गया आपका रन हो गया, तो रन टाइम एरर में बता सकता हूँ मैं, वापस बता रहा हूँ रन टाइम एरर। ओके वो कभी कभी आती है, कभी कभी नहीं भी आती है, प्रोग्राम बराबर है, ओके है, रन नहीं आएगा आपका, रन टाइम एरर नहीं आएगा, एग्जीक्यूट भी होगा। अभी देखो अभी कैसा होता है, तो यहाँ पे अपन 0 देते हैं। चलो देखो आप, अब ये ए की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू 0 है, सी वही प्रोग्राम पहले रन हो रहा था, अब सी इज इक्वल टू 10/0 करते हैं हम लोग, 10/0। तो बताओ मैच कैसे, कौन है ये, कौन है ये, 10/0 आंसर कैसे 0 आता है, कौन है ये 10/0 आप समझ में आ गया आपको, आपने देखो इसको बोलते हैं रन टाइम एरर। पहले तो ये प्रोग्राम रन हो रहा था ना, यस और नो, ओके। अभी क्या हो रहा है, ड्यू टू सम सर्कमस्टेंसेस, ड्यू टू सम सर्कमस्टेंसेस, ओके ओके। तो अभी क्या करेंगे, 10 डिवाइड बाय 0 एरर आ जाए, ये देखो 10 डिवाइड बाय 0, ओके इसका आंसर इन्फिनिटी आता है, और इलेक्ट्रॉनिक्स में सॉरी कंप्यूटर में इन्फिनिटी का वर्ड ही नहीं रहता, वो क्या कर देगा, यहाँ पे एरर आ जाएगा आपका, म्यूट करो, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपको, एरर आ जाएगा, यस और नो। इसको बोलते हैं रन टाइम एरर, पहले तो रन हो रहा था, यस और नो, ओके ऐसा डालो पर यहाँ पे 5, तो यही प्रोग्राम रन होगा आपका, क्या आंसर आएगा आपका 2, यस और नो, सी इज इक्वल टू 2, ये रन होगा उसके बाद यही रन हो रहा है ना आपका, इधर क्लियर। तो ऐसे करो ऊपर की जो स्टेटमेंट है वो गंधारा सर का मिसेस के अकाउंट को कनेक्ट करने के है, और पैसे ट्रांसफर करने के है, और जहाँ पे एरर आ रहा है उसके नीचे जो स्टेटमेंट है ना वो क्या है, पैसे रिसीव होने के और बाद में कनेक्शन डिसकनेक्ट के है। लेकिन यहाँ पे अभी देखो ये बराबर हो रहा था तो बराबर वर्क होगा, लेकिन अभी मैंने यहाँ पे 0 दे दिया, हो सकता है ऐसे कंडीशन, ओके। अभी वही प्रोग्राम रन हो रहा है, क्या बताओ बोलो, यहाँ पे एरर आ जाएगा, एरर आ जाएगा तो क्या करेगा, सीधा यहाँ से बाहर आ जाएगा, सीधा बाहर आ जाएगा, तो क्या होगा, कनेक्शन क्रिएट हो गए, पैसे तो ट्रांसफर कर दिए, एरर आ गया यहाँ पे, तो यहाँ पे कनेक्शन रिसीव होने का भी स्टेटमेंट यहीं पे था, कनेक्शन को डिसकनेक्ट करने का भी यहीं पे था, लेकिन एरर यहाँ पे आ गई तो सीधा बाहर आ जाएगा। ऐसे एरर को हम लोग क्या बोलते हैं, रन टाइम एरर। तो ऐसे एरर को हैंडल करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, एक्सेप्शन हैंडलिंग। क्लियर हो गया, हाँ। चलो अभी देखते हैं हम लोग कैसे रहते हैं, तो कंसेप्ट देखो रहे, मैं 10 मिनट से पढ़ा रहा हूँ, बहुत बड़ा कंसेप्ट है ये, ओके। अच्छे अच्छों को समझ में नहीं आता अभी, इसलिए अभी मुझे पता है एरर यहाँ आने वाली है क्या, रन टाइम बता, नो सर, यहाँ आने वाली है क्या, यहाँ आने वाली, अरे नहीं कैसे आएंगी यार, ये मैं 5 लिखता हूँ, आ रही है क्या एरर, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे एरर, एरर आ सकती है यहाँ पे, क्लियर हो गया आपको, एरर यहाँ पे आ सकती है। तो हमको पता है कि एरर जिस स्टेटमेंट के आते हैं तो उसके अंदर अपन ये ट्राई के अंदर लिखते हैं, ये ट्राई नाम का एक ब्लॉक लेते हैं हम लोग, ओके। और उस ब्लॉक के अंदर अपन जो एरर मुझे पता है कि इसमें रन टाइम एरर आने वाली है तो वो अपन उसके अंदर लिखते हैं। क्लियर हुआ क्या आपको, बताओ, यस, इतना क्लियर हो गया आपको, समझ आ रहा है, मुझे पता है ये 3 स्टेटमेंट के अंदर एरर में आने वाली है, तो मैं व्हाई शुड आई यूज अ ट्राई, तो ट्राई मुझे कहाँ पे लिखना पड़ता है, मुझे जिस जगह पे एरर आने वाली है ना रन टाइम, उस जगह पे मैं यूज करता हूँ ट्राई। इतना क्लियर हो गया आपको, इज इट क्लियर, आप समझ में आ गया आपको, ओके। आपके रन टाइम एरर को चेक करता है, ओके। तो अभी क्या होगा, देखो यहाँ पे देखो कैच लिखते हैं हम लोग, ये कैच क्या करता है, ये कैच क्या करता है, देखो ओके, ये एरर को शो करता है, और यहाँ पे लिखना पड़ता है एक्सेप्शन, ओके। और यहाँ पे ई लिखते हैं, इतना भी लिखा ना, स्मॉल में लिखना, ओके। और यहाँ पे देखिए, अब मैं बताता हूँ एग्जांपल तौर पे, और यहाँ पे अपन दे देते हैं, वेट अ मिनट, ओके। यहाँ पे सिस्टम डॉट डीबग, यहाँ पे अपन दे देंगे
सर वो ई क्यू लिख रहे अपन एक्सेप्शन के बाजू में। अरे भाई ये एक्सेप्शन नाम का क्लास रहता बेटा ये, ओके, और क्लास का ये ऑब्जेक्ट है। हाँ ये ऑब्जेक्ट रहेगा ना, कोई क्लास को रन करना है तो ऑब्जेक्ट से रन करना पड़ता है ना। निखिल समझ में आ रहा है कि आपको निखिल? ओके हाँ सर। हाँ चलो अभी देखते हैं, अभी देखो ये एरर अभी क्या होता है। तो देखो एरर तो आने वाली है, एरर आने वाली है, एरर के लिए तुम रोक नहीं सकते क्योंकि एरर को ये नहीं कर सकते, एरर आने वाली है, डोंट वरी। अब मुझे बताओ अंकुश ने क्या दो चक्के वाली साइकिल बनाना है। अंकुश ने एक चक्के की साइकिल बनाएंगे तो अपन चला ही नहीं सकते ना, एरर तो आने वाली है, लेकिन वो जो ड्रॉबैक है ना वो रिकवर होता है। तो देखिए रन टाइम एरर जो आती है ना वो ट्राई के अंदर लिखना पड़ता है, और वो क्या करता है, सपोज मुझे यहाँ पे मिल गया, अभी देखो 10 = 5, 10 / 5, तो 10 / 5 तो सी के अंदर क्या वैल्यू आ जाएंगी बताओ रे, सी के अंदर क्या वैल्यू आ जाएंगी 2 आ जाएंगी। एरर आ रही है क्या यहाँ पे, एरर आ रही है क्या? No. नहीं आ रही है, तो वो क्या करेगा डायरेक्ट, तो ये कैच वर्क ही नहीं होता। ओके ये डायरेक्ट इधर से निकलेगा और सिस्टम के पास जाएगा, C = डिस्प्ले कर देगा कितना 2। यस और नो क्लियर हो गया आपको? ओके बाद में दूसरे बार इसको रन करेंगे 10। ओके तो यहाँ पे आएगा 10 / 10 तो सी की वैल्यू 1 आ जाएगी। एरर आ रहा है क्या? ओके नहीं आ रहा है, तो ये सीधा उठेगा सिस्टम के पास जाएगा, C = 1 आ जाएगा। ओके उसके बाद अभी अपन देते हैं यहाँ पे 0। ओके यहाँ पे आएगा 10 / 0, अभी एरर आ गया, आ गया एरर। यस ओके अभी देखो अभी एरर आएगा ना, तो अभी सेल्फोर्स क्या कर, ये जो सेल्फोर्स क्या करते हैं ट्राई चेक करता है, तो ट्राई किस लिए यूज करते हैं, एरर फाइंड करने के लिए, वो भी कौन सी, सिंटैक्स और रन टाइम, रन टाइम। ओके और अभी एरर मिल गई तो वो क्या करता है, वो कैच के पास दे देता है। ओके और कैच क्या करता है, तो उसको डिस्प्ले कर देता है, रन टाइम एरर और जो भी एरर होगा उसको डिस्प्ले करता है। इतना क्लियर हुआ कि आपको मुझे बताओ? ओके यस और अभी देखो चलो ये हो गया आपका। उसके बाद में क्या मेरे पास एक फाइनली नाम की मेथड रहती है, फाइनली नाम की एक मेथड रहती है, देखो ब्लू कलर की आगे ना ये रेडीमेड मेथड रहती है। चलो अभी देखते हैं, रुको यहाँ पे क्या बता रहा हूँ, इंटरव्यू में पूछा जाता है फाइनल नाम की मेथड है, तो मैंने क्या बताया था, अभी देखो एरर क्या आ सकती है, क्योंकि गंधारे सर अपनी मिसेस को पैसे भेज रहे, तो पहले कनेक्शन क्रिएट होगा दोनों के अकाउंट का, उसके बाद वो 1,00,000 रुपये भेजेंगे, यस और नो। लेकिन बीच में एरर आ गई तो वो पैसे रिसीव हो, म्यूट करो, पैसे रिसीव होने का जो है स्टेटमेंट और वो कनेक्शन को डिस्ट्रॉय करने का जो, मतलब डिसकनेक्ट करने का जो मेथड है, मतलब जो स्टेटमेंट है, वो स्टेटमेंट खुले में रख दिया तो एरर आ गई बीच में, तो सीधा बाहर फेंक देगा, तो क्या होगा, पैसे भेज देगा, कनेक्शन क्रिएट करेगा, लेकिन बीच में एरर आ गई तो वो इंटरनेट को क्या पता कि इसके प्रोग्राम में एरर आई है करके, इनके प्रोग्राम में एरर आई करके। समझ में आ रहा आपको, इज इट क्लियर? तो हम लोगों को क्या करना पड़ता है, जितने भी क्लोजिंग वाले स्टेटमेंट होते हैं, देखो हमने कनेक्शन क्रिएट कर दिया ना, देखो यार ये किया ना कनेक्शन क्रिएट, ओके पैसे भी भेजे, बाद में पैसे बराबर जाने के बाद क्या होता है, यहाँ पे रिसीव करके भी आना चाहिए और दूसरा ये डिस्कनेक्ट भी होना चाहिए, तो ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना। ओके समझ में आ रहा है क्या? और सपोज इसके बीच में कोई तकलीफ, लिसन ये, कोई तकलीफ चली गई, तकलीफ चली गई तो क्या होना चाहिए, जो पैसे गए हुए ना वो ऑटोमेटिकली वापस आने चाहिए। कभी कभी देखो आप लोग बैंक में ये करते हो और पैसे चले जाते हैं, बाद में 2 दिन के बाद वापस आपको रिट्रीव हो जाते हैं, याद है क्या होते हैं ना, वापस आ जाते हैं आपको। यस यस क्यों होते हैं, उसके कारण होते हैं। अब चले तो गए तो क्या करता है, अब फाइनली मेथड के अंदर, ये जो फाइनली नाम का मेथड होता है ना, इसके अंदर अपन हमेशा क्लोजिंग स्टेटमेंट लिखते हैं, क्लोजिंग मतलब चालू करने वाले स्टार्टिंग में लिखते हैं। ओके अब मुझे पता है यहाँ पे एरर आ सकती है, हो सकता है, तो उसके कारण क्या होता है, मे बी पॉसिबल कि मेरा जो डेटा गया हुआ है, पैसे गए हुए हैं, तो यहाँ पे मैं उसका उसके और एक मतलब इसके अंदर नंबर ऑफ स्टेटमेंट लिखता हूँ यहाँ पे, और इस स्टेटमेंट में बोलता हूँ कि सपोज ड्यू टू सम इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम आ गए, तो जो पैसा गया हुआ है वो रेडीमेड आना चाहिए, उसके लिए अपन एक छोटा सा कोड लिखते हैं, और बाद में वो मैम के पास पहुँचा कि नहीं पहुँचा उसका एक मैसेज दे देते हैं। अब पहुँचेंगे कि नहीं पैसे, तो वो मैसेज दे देंगे किसको, मैम को दे देंगे कि पेमेंट कैन नॉट बी रिसीव्ड, और सपोज वो जो पैसे गए हुए हैं तो वो क्या करेगा, बीच में एरर आ गई तो वो क्या करेगा, वापस रिकवर करने का भी कोड यहाँ पे लिखा रहता है, और बाद में वो कनेक्शन को डिसकनेक्ट करने का भी कोड यहाँ पे लिखा रहता है। समझ में आ रहा है आपको, फाइनल नाम के मेथड के अंदर। अब ये क्यों लिखा जाता है, तो देखो तो ट्राई के अंदर समझ में आ गया, इफ यू हैव द रन टाइम एरर तो दैट टाइम हम लोग ट्राई के अंदर लिखते हैं, इसको बोलते हैं एक्सेप्शनल हैंडलिंग प्रोसेस। समझ में आ गया क्या आपको, इस प्रोसीजर को बोलते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग प्रोसेस। हेलो समझ में आ गया क्या? हाँ सर हाँ।
सर मतलब जो अभी यूपीएस आईडी वगैरह है तो उसमें स्पेशली इसका यूज होता है। हां अबे तुमको भी करना ही पड़ेगा वो, क्योंकि तुमको करना ही पड़ेगा। अकाउंट बनाया, अकाउंट का डेटा अपन कहीं और भेज रहे, बीच में कुछ एरर आ गई तो क्या होगा? तो वो डेटा वापस रिकवर होना चाहिए ना। यस और नो? और एरर यस वर्ड जो है वो ना यूज करते हुए अगर हम कोई और वर्ड यूज करते हैं मेथड के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? कौन सा मेथड के लिए? फाइनली जो फाइनली आप नहीं ये स्टैंडर्ड है, ये स्टैंडर्ड है, ये कैच नाम की मेथड लेना ही पड़ेगा आपको, एच नाम की मेथड लेना पड़ता है। ओके ये ट्राई है तो ट्राई लेना पड़ेगा, आप दूसरे मेथड नहीं यूज कर सकते। क्लियर हो गया आपको? ये ट्राई और कैच, ट्राई एंड कैच तो फाइनली भी मेथड वही लेना पड़ता है, वही लेना पड़ता है, वही नहीं नहीं वही लेना पड़ता है, वही नाम के लिए। सर ये फाइनली इनबिल्ट फंक्शन है सेल्सफोर्स का। ओके तो अभी चलो अभी अपन देखते हैं, अपन देखते हैं अभी फिलहाल। तो ट्राई तो देखो एक्सेप्शन हैंडलिंग का मतलब क्लियर हो गया कि आपको एक्सेप्शन हैंडलिंग जो रहता है वो सिंटैक्स एरर को काउंट करता है कि रन टाइम एरर को काउंट करता है? बताओ मुझे पहले, रन टाइम एरर को। क्लियर हो गया आपको? ओके दूसरा अपने को एरर को फाइंड करना तो कौन करता है? ट्राई। ये ब्लॉक है, ब्लॉक मतलब इसके देखिए ये ऐसा रहता है ना, इसको फंक्शन बोलते हैं हम लोग। क्लियर हो गया आपको? और ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट इसको फंक्शन बोलते हैं, लेकिन इसके आगे है क्या? ऐसा कुछ नहीं है, इसके आगे आगे ओपन ब्रैकेट और क्लोज कर्ली ब्रैकेट है, तो इसको हम लोग ब्लॉक बोलते हैं। तो ट्राई ब्लॉक रहता है आपका। तो मुझे पता है कि ये अभी ये एक ही सेंटेंस है, हो सकता है कभी कभी मेरे प्रोग्राम के अंदर 10 लिसनिए 10 सेंटेंस के अंदर में भी हो सकता है कि 10 में से कोई भी एक सेंटेंस के अंदर रन टाइम एरर आ सकती है, तो 10ों के 10ों स्टेटमेंट यहाँ पे लिखना पड़ता है। क्लियर हुआ कि आपको? बताओ। ओके यस। और उसके अंदर कुछ एरर आती होंगी तो वो शो करना है ना, तो उसके लिए कैच यूज करते हैं हम लोग। क्लियर हो गया आपको? यस। अब हो सकता है एक ट्राई के लिए एक कैच कंपल्सरी लिखना ही पड़ता है, समझ में आ रहा है आपको? लेकिन एक ट्राई के लिए अपन नंबर ऑफ कैचेस भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ कैच मेथड भी लिख सकते हैं ऐसे। ओके ये लिखना पड़ता है, एक्सेप्शन विषय मैं नहीं लिखता अभी फिलहाल। क्लियर हो गया आपको? ऐसे नंबर ऑफ कैच मेथड भी लिख सकता हूँ मैं, कितने भी लिख सकते हैं क्या? हाँ लिख सकते हैं हम लोग। ओके समझ में आ रहा है आपको? इज इट क्लियर? लेकिन एटलीस्ट एक कैच मेथड आपको लिखना ही पड़ता है। ओके नंबर ऑफ कैच मेथड। अब देखो यहाँ पे एक लाइन है, एक एरर है, एक लाइन है तो एक एरर आएगी तो एक कैच लिखेंगे। अभी मेरे पास ये ट्राई के अंदर 10 लाइन है तो 10 लाइन की 10 अलग अलग एरर आ सकती है ना? यस और नो? ओके हाँ तो 10 अलग अलग कैच लेना पड़ेगा, क्योंकि वो जो एरर है वो पर्टिकुलर कैच। अभी देखो एक एरर आ गई, ये कैच की एरर नहीं है तो वो नहीं डिस्प्ले करेगा, वो दूसरे कैच के पास जाएगा, उसके पास नहीं तो तीसरे के पास जाएगा, लेकिन चौथे के पास वो एरर और वो एरर मैच हो रही है तो वो डिस्प्ले कर देगा। अब समझ में आ गया आपको? तो ट्राई के अंदर अपन एरर फाइंड, एक मिनट के लिए, ट्राई के अंदर अपन एरर को फाइंड करते हैं, इज इट क्लियर? और कैच क्या करते हैं? उसको डिस्प्ले करते हैं। तो वन ट्राई हो द नंबर ऑफ कैचेस। क्लियर हो गया आपको यहाँ पे? इज इट क्लियर? क्लियर हो गया आपको? उसके बाद क्या होता है? यस उसके बाद क्या होता है बेटा, एक मिनट के लिए मैं बताता हूँ आपको, ये पहले क्लियर कर लेते। ओके यस। और उसके बाद देखो फाइनली, अब क्या होता है कभी कभी एरर आ गई तो वो एबनॉर्मली टर्मिनेट होता है ना प्रोग्राम, यस और नो? ओके तो क्या होता है, वो एबनॉर्मल टर्मिनेट होने के पहले ये यहाँ पर टर्मिनल होता है तो उसके पहले ये फाइनली ब्लॉक ऑटोमेटिकली रन हो जाता है, ऑटोमेटिकली, वो रन करने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि यहाँ पे एक्सेप्शन एरर आ गई तो वो क्या करेगा, पहले क्या कर रहा था यहाँ पे एक्सेप्शन एरर, एरर आ गई सपोज, एरर आ गई वो क्या करता था यहाँ से उसको एबनॉर्मल टर्मिनेट कर लेता था, ये सेंटेंस रन ही नहीं होते थे, यस और नो? तो जैसे ही अपन ट्राई यूज करेंगे ना, ट्राई और कैच यूज करेंगे तो ट्राई से तो मेरे को पता चल गया कि एरर आ गई करके, और कैच क्या करेगा, उसको डिस्प्ले करेगा। लेकिन वो फाइनली आपका जो स्टैंडर्ड इनबिल्ट मेथड होती है वो मेथड क्या होती है, जब आपका प्रोग्राम एंड होने वाला है, क्योंकि एरर आएगा तो वो एंड होता ही है, उसके लिए कोई रोक नहीं सकते। क्लियर हो गया आपको? लेकिन वो क्या करता है, सेल्फोर्स इंटरनली फाइनल नाम की मेथड को रन कर देता है। समझ में आ रहा है क्या आपको? ओके और उसके बाद उसको बंद करता है। तो अपन क्या करेंगे, जो इंपॉर्टेंट चीजें है ना, जो अपने जो प्रॉब्लम जा रहे थे वो सब यहाँ पे लिख लेंगे। ओके तो क्या करेगा, देखो ये तो रन, ये तो बंद होने ही वाला है। ओके बट बंद होने के पहले सेल्फोर्स क्या करता है, ये फाइनल नाम की मेथड को इंटरनली रन करवा देता है। और अपन क्या करेंगे, पैसे वापस लाने का स्टेटमेंट, बाद में मैम को एक मैसेज जाएंगे कि पैसे आए नहीं करके, और तीसरा डिस्कनेक्ट का पूरा यहाँ पे लिख लेंगे। क्लियर हो गया आपको? अब वो बंद तो करने वाला है, लेकिन बंद करने के पहले फाइनली नाम का मेथड इंटरनली रन करते हैं। समझ में आ गया व्हाट इज द यूज ऑफ फाइनली मेथड, ये पूछे जाते हैं आप लोगों को। तो क्लियर हो गया आपको व्हाट इज एक्सेप्शन हैंडलिंग? यस यस सर। ओके यस सर। क्लियर हो गया?
where you exception handling work, yes, sir. Runtime. Clear गया आपको? How many types of error? Three types of error. Which one is harmful? Logical error. Is harmful. Okay? पूछा तो बताना, दिमाग नहीं लगाना, तो घुमाएंगे तुमको. उसके बाद हम लोग exception handling किसके through work करते हैं? Try and catch. What is the use of try? Try find the runtime error or exception error and catch and catch and catch display the error. Okay? Display. And what is the use of and what is the use of, क्योंकि जब तुमको try और catch पूछेगा तो फाइनली मेथड पूछने वाला. ओके, तो व्हाट इज द यूज ऑफ फाइनली मेथड? फाइनली इज द इनबिल्ट और सेल्फ फॉर स्टैंडर्ड मेथड. ओके, वो मेथड क्या करती है? इफ यू आपका प्रोग्राम जब एबनॉर्मली टर्मिनेट होता है ड्यू टू द रन टाइम एरर, तो दैट टाइम फाइनली मेथड इंटरनली कैन बी कॉल. तो वो क्या करता है, उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट क्लोजिंग सेक्टर्स होते हैं, क्लोजिंग स्टेटमेंट होते हैं और इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट होते हैं जिसके कारण कुछ हार्मनेस हो सकता है, वो स्टेटमेंट अपन वहां पे लिख लेते हैं. तो क्या होता है, वो एबनॉर्मली टर्मिनेट भी हो गया ना तो भी वो क्या करता है, अपने ब्लॉक को प्रॉपर वे से बंद करेगा, उसके बाद आपका प्रोग्राम को एबनॉर्मली टर्मिनेट करेगा. यस और नो? इज इट क्लियर? यस सर. मैं बोल रहा हूं, यस सर. हां पूछो सर. सर लाइक अपन जो ट्राई और कैच यूज कर रहे हैं, ये अपन सिर्फ अपेक्स क्लास में यूज करते हैं. हां अपेक्स क्लास कोडिंग में यूज करते बेटा. ओके, अपेक्स क्लास के अंदर, क्लास के अंदर भी यूज कर सकते हैं, ट्रिगर में भी यूज कर सकते हैं, बैच फाइल में भी, जहाँ पे अपेक्स क्लास यूज कर सकते हैं, एलडब्ल्यूसी में भी यूज कर सकते हैं, और हमें जहाँ पे भी अपन अपेक्स क्लास यूज करेंगे ना, विजुअल पेज में भी यूज कर सकते हैं, वहाँ सब में ट्राई और कैच यूज कर सकते हैं. चलो बेटा बुक पूछो, आप क्या पूछने वाले थे? सर जैसे हमने अभी एक कंडीशन लिखा है ए सी इक्वल्स टू ए डिवाइड बाय बी, हमने ट्राई में और एक कमांड लिखा या लॉजिक लिखा सी इक्वल्स टू ए प्लस बी, ठीक है, तो फिर वो टाइम पे कैच कैसे, यानी दो टाइम हमको लिखना पड़ेगा या फिर वो कैसे वर्क करेगा? ए प्लस बी है ना. ओके, हाँ ऐसा ऐसा बोल रहे ना आप लोग? यस, अभी ये कैच कैसे लिखना पड़ेगा? हाँ चलो, अभी कैच लिखना पड़ेगा तो अपन ऐसे ही लिख, एक ही कैच लिखना पड़ता है. ओके, यहाँ पे अब क्या होगा, मुझे पता है यहाँ पे एरर आ रही है, सुनो यहाँ पे एरर आ रही है, यहाँ पे एरर आ रही है ना आपकी. ओके, तो वो नीचे वाले को चेक नहीं करेगा, डायरेक्ट यहाँ से उठेगा. अगर वो फर्स्ट वाला एग्जीक्यूट हो रहा है, सेकंड में प्रॉब्लम आ रही है, हाँ तो क्या करेगा, सेकंड में एरर आ रही है ना, तो यहाँ से एरर आएगी तो वो दूसरे कैच के पास जाएगा और डिस्प्ले कर देगा. समझ में आ रहा है? और सपोज पहले इसमें एरर आई तो वो क्या करेगा, ये नीचे वाले को चेक ही नहीं करेगा, यहाँ से उठेगा और यहाँ पे चला जाएगा. अब बोलेंगे सर बाकी के इसमें भी एरर आए तो पहले वो पहले एरर को सॉल्व करो. ओके, और उसके बाद क्या करेगा, वापस में वो स्टेटमेंट है और वापस उसको रन करके देखो, हो सकता है तीसरे इसमें वापस एरर आ जाए तो वो तीसरे कैच में फेंकेगा. तो सर नंबर ऑफ स्टेटमेंट जितने ट्राई में रहेंगे उतने हमको कैचेस अलग-अलग लिखना पड़ेगा. हां हां लिखना पड़ता है, इसलिए तो इसलिए तो प्रोग्राम की लेंथ बढ़ती है ना वो. ओके सर, अगर पहला एरर कंप्लीट हो जाता है, क्लियर हो जाता है, तो हम उसको ट्राई से निकाल सकते हैं? नहीं 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 नहीं, कोई गधे बैठे रहेंगे यहां पे. ओके, ये एरर इसके कारण नहीं आ रहा है, दे आर डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन. ओके, इसने ऐसा दे दिया तो देखो ना आने वाली क्या एरर वहाँ पे. हाँ सर, पर अगर एरर क्लियर हो जाता है? नहीं बेटा, कैसे हो गया? अब मुझे बताओ अपने को, अभी गंदारे सर पैसे भेजने वाले इंटरनेट कनेक्शन के थ्रू किसके तरफ, दूसरे बैंक के अंदर मिसेज के अंदर. अब तू बता सकती है क्या कि इंटरनेट कब फेल होगा और कब प्रॉब्लम जाएगा? तो समझ नहीं जाएगा आपको? अब समझ में आ गया आपको? Yes, क्या वो स्टेटमेंट को निकाल ही नहीं सकते आप लोग? आवाज नहीं है आपका. हेलो सर, सर ये जो बहुत सारे मतलब आप जैसे नंबर ऑफ कैचेस रहेंगे तो उसमें उसमें जो जब एरर आएगा तो उसमें दिक्कत रहेगा कि कौन से कैच. हाँ कौन से कैच में एरर है, अब ये ई दिया है यहाँ पे, अपन अलग देंगे यहाँ पे लिखेंगे रन टाइम एरर फॉर प्लस या फिर रन टाइम एरर फॉर डिवाइड लिखेंगे DIV, यहाँ पे लिखेंगे रन टाइम एरर फॉर प्लस, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सी ट्रीटमेंट में एरर आ रही है आपको. ओके सर, एक ट्राई में अपन मल्टीपल अपने मतलब ये डाल के कंडीशंस डाल के उतना डिफरेंट डिफरेंट कैचेस बनाने पड़ेंगे. हाँ हाँ यस, अरे एक ट्राई पर 10-10 20-20 कैचेस लगते हैं. ओके ओके, तो
तो जैसे सर एक कंडीशन है अपना, मतलब जो आपने अभी कंडीशन दिया ना, ए डिवाइड बाई बी ए प्लस बी, इसी को वाइस वर्सा अगर कर देते हैं, ए प्लस बी पहले और सेकेंड इसमें ए डिवाइड बाई बी, फर्स्ट वाला कंडीशन तो सेटिस्फाई हो जाएगा अगर अपन वैल्यू जीरो भी डाले या कुछ भी डाले, लेकिन सेकेंड वाले कंडीशन में अगर एरर आया तो वो प्रोग्राम फिर एग्जीक्यूट होगा, मतलब फर्स्ट वाली कंडीशन के लिए। नहीं बेटा देखो देखो अभी कैसा हो रहा है, अभी एरर आ रहा है आपको, ए इज इक्वल टू 10 प्लस 0 है कि नहीं, ओके तो 0 आ रहा है तो ओके ना, वो कुछ नहीं करेगा, वो दूसरी इसमें जाएगा, वो ट्राई के अंदर यह एरर रहेगा तो यहाँ पे आ जाएगा ऐसा, तो फिर वो सेकंड वाले कैच में शो करेगा ना अपने को एरर इंडा। अरे भाई मैंने डिवीजन वाली एरर पहले लिखी है ना, तो यही पे सॉल्व करेगा वो, कुछ नंबर ये मैंने जस्ट एग्जाम्पल तौर पर बताया, क्लियर हुआ क्या सभी को, दिमाग के ऊपर से गया? हाँ बोलिए, समझ में आ गया। ओके।